बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे इस अनअकैडमी के लार्जेस्ट लर्निंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज फिर मैं आप लोगों के लिए आ चुका हूँ कुछ नया पढ़ने के लिए। कुछ नया चैप्टर चालू करने वाले हैं दोस्तों हम आज, जिसमें हम पढ़ेंगे आज ट्रैफिक सिग्नल के बारे में। ये हमारा आज का लास्ट सेशन होगा हाईवे का। इसके बाद हम कुछ MCQ जरूर लगाएंगे फॉर श्योर, लेकिन अगर कंसेप्ट की बात करें तो लगभग लगभग हमने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से जुड़ जाइए। मैं बस ये चेक कर रहा हूँ कि आवाज वगैरह प्रॉपर है कि नहीं है। आवाज वगैरह प्रॉपर है तो फटाफट से आ जाइए सभी के सभी। हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, काफी बढ़िया होगा। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम इस पे करेंगे, कुछ बढ़िया क्वेश्चंस इस पे करेंगे और साथ ही साथ कंसेप्ट को भी सीखेंगे। कुछ जो बच्चे नॉर्मली जानते हैं कि ग्रीन टाइम क्या होता है, एम्बर टाइम क्या होता है, रेड टाइम, सर सब जानते हैं, बट दोस्तों गेट एग्जाम में या जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होता है थोड़ा सा चीजों को घुमा के पूछ लिया जाता है। चीज वही होती है, कंसेप्ट वही होता है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पूछा जाता है, आता यही है। ठीक है, हर बार सबको पता होता है यही से क्वेश्चन आना है, लेकिन फिर भी हम गलती कर देते हैं। कहाँ गलतियां होती हैं, कैसे गलतियां करते हैं, सब कुछ आज बात करेंगे। आपका एक काम बनता है कि आपको हमारे साथ जुड़ना है, सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है दोस्तों, तो आप जिस चैनल पर जुड़ गए उसका नाम है लेट्स क्रैक गेट NDAC, जिस पर मैं आप लोगों के साथ डेली 2:30 बजे जुड़ता हूँ। और आज तो ट्यूजडे है, ट्यूजडे क्विज डे होता है, आप सभी को पता है, आप सभी को पता है ट्यूजडे क्विज डे होता है। हालांकि हमारा सेशन जनरली ऑफ रखता हूं मैं ट्यूजडे को, लेकिन मैंने इस बार सेशन ऑन रखा है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम वाला टाइम चल रहा है, दिवाली पे नो डाउट आप लोग छुट्टी पे चले जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं। अभी हम थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेते हैं बच्चों, ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए। मेरे बारे में आप सभी जान चुके हैं, जो नए हैं तो बता दूं मेरा नाम है अनुज चौबे। मुझे 3 से ज्यादा सालों का अनुभव हो चुका है। काफी बच्चे हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, मेरे ही स्टूडेंट्स हैं, कुछ गेट में अच्छी रैंक ला चुके हैं। ठीक है, चलिए लर्निंग ऐप की बात कर लेते हैं, जहां पर हम मिलते हैं डेली 6:30 बजे। डेली 6:30 बजे हम अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मिलते हैं आपसे, और वहां पर गुफ्तगु और क्विज सेशन रखा जाता है दोस्तों। ठीक है, ये अनअकैडमी लर्निंग पर आपको सारी फैसिलिटीज मिलती है। नंबर ऑफ एजुकेटर्स, नंबर ऑफ एग्जाम की कैटेगरीज में, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एग्जाम के लिए आपको पढ़ा रहे हैं बच्चों। ठीक है, आपको बस क्या करना है, वहां जुड़ जाना है। और अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, एक बार प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में सोचिएगा। एक चैनलाइज वे में प्रॉपर तरीके से विद टेस्ट सीरीज वहां पे तैयारी कराई जा रही है। बहुत नंबर ऑफ एजुकेटर जिनके लिए आप लाखों रुपए देके जाते हैं कोचिंग के लिए, लेकिन वो यहां पर आपको इस सिंपल कॉस्ट में आपको पढ़ा रहे हैं बच्चों। ठीक है, बस आपका एक काम है, आना है, पढ़ना है और एग्जाम क्रैक करना है। अगर आप किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं मेरे भाइयों, तो आपको कोड जो याद रखना है वो है EC007, अनुज चौबे AC007। ठीक है, इसको याद रखिए, काम आएगा, 10% का ऑफ देगा ये। चाहे आप 1 साल का कोर्स लें, चाहे आप 1.5 साल का कोर्स लें, चाहे आप 2 साल का कोर्स, ठीक है, तो इसमें आपको ये काम आएगा EC007, याद रखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। 2:30 पर मैं डेली आपको यहाँ मिलता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन के हाईवे के लगभग लगभग लास्ट पड़ाव पर हम आ चुके हैं। काफी कुछ पढ़ा है पिछले 10 से 15 दिनों में, काफी कुछ पढ़ा है। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, चेक कीजिएगा किस तरीके की प्लेलिस्ट है, किस तरीके से पढ़ाया गया है। काफी MCQ भी कराए हैं और आगे भी प्रैक्टिस होती रहेगी। ये वीक जो है, आने वाला जो वीक है, पूरा प्रैक्टिस में हमारा जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम, मैंने सोचा है दिवाली के बाद, आफ्टर दिवाली मैं सॉइल चालू करने वाला, आफ्टर दिवाली, क्योंकि दिवाली आने वाली है, तो 10 दिन है, तो 10 दिन हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम सॉइल मैकेनिक्स चालू करेंगे। बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही बढ़िया पढ़ाने वाला जियोटेक। ठीक है, आपको बस एक काम करना है, इसमें बनना है मेरे साथ। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग। चलिए, ट्रैफिक इंजीनियरिंग का एक लास्ट पार्ट बचा है, मैंने पार्किंग, लाइटिंग, इंटरचेंज, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स, रोटरी, इस सब के बारे में शायद कल डिस्कशन किया था, परसों लास्ट जो हमारी क्लास थी, कल तो हमारी MCQ वाली क्लास थी, उसके पहले जो क्लास थी उसमें हमने इस सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था, एज यू ऑल नो दैट। ठीक है, तो आज मैंने आपसे बोला था कि आज सिर्फ और सिर्फ मैं सिग्नल के बारे में बात करूंगा। आप सभी को इसके बारे में मैं बता चुका था कि आज सिर्फ सिग्नल की बात करूंगा। ये सब हो चुका है दोस्तों, प्लीज प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ट्रैफिक इंजीनियरिंग में आपको बता चुका हूँ बार बार, 9 से 10 मार्क्स का मिनिमम पूछा जाता है। मिनिमम मिनिमम जो है 9 से 10 मार्क्स का पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये 9 से 10 मार्क्स लाना बहुत इजी हो जाएगा, 5 से 6 तो बहुत इजी हो जाते हैं, बट आपको अगर आता है तो, और अपन को जाना है 8 से 9, इतने मार्क्स अपन को ऐसे भी लाने हैं।
ठीक है बेटा, वो लाने के लिए आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की बात कर लें, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। अभी आपने जेई का पेपर देखा होगा, मैं बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा वो आपको, थोड़ा सा टाइम की कमी के कारण मैं प्रोवाइड नहीं करा पाया हूँ, तो उसमें भी आया हुआ है। ठीक है, तो काफी ही इजी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पूछा गया है, कहीं तो ओएसडी पूछा गया है, थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन जरूर आए थे बट इजी थे। चलिए, ये सब हम बात कर चुके थे, एज यू ऑल नो दैट ये क्या था, अपन ने वीविंग सेक्शन बोला था, इसके कारण जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट आ रहे थे दैट विल बी अ वीविंग कॉन्फ्लिक्ट्स, मर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे, ठीक है, क्रॉसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे, तो इस सब के बारे में कॉन्फ्लिक्ट्स पॉइंट्स आ रहे थे। अब भैया कॉन्फ्लिक्ट्स पॉइंट्स में नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि हमारा जो सेक्शन है, हमारा जो बीम, हमारा जो ट्रैफिक है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स पॉइंट्स ना है। उसके लिए हमने क्या किया था, रोटरी डिजाइन कर, याद है कि नहीं याद है, याद है, तो उसके लिए हमने क्या किया था, रोटरी डिजाइन कर रहे थे ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स पॉइंट्स ना, ठीक है। क्यों भैया कॉन्फ्लिक्ट्स पॉइंट कैसे हो रहे थे, ये यहां से आ रहा है, एक ट्रैफिक यहां से आ रहा था, एक ट्रैफिक यहां से आ रहा था, ये कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएगा, यहां से कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। कौन सा टाइप का कॉन्फ्लिक्ट बनेगा, ये बनेगा क्रॉसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, एज यू नो दैट, आई नो दैट, वी ऑल आर नो दैट, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया था, यहाँ एक रोटरी प्रोवाइड कर दी थी कि ये जो आएंगे भाई साहब, इनको जहां भी जाना है इस तरीके से क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेशन होके जाएंगे, यहां से भी जो आ रहे हैं वो भी रोटेट होके जाएंगे, ये रोटरी कोड को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हमने सारे डायमेंशन सब कुछ निकाला था, बात करी थी विड्थ ऑफ कैरेज पे, सब चीजें बात कर ली थी, वीविंग सेक्शन जो भी थे, रेडियस कितना देना है रोटरी का, सब चीजें हमने डिसाइड कर ली थी कि अगर एलिवेशन जीरो है, फ्रिक्शन इतना है, तो सब हमने निकाला था, ठीक है। तो वहां से क्या हो रहा था कि कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स नहीं हो रहे थे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रैफिक सिग्नल की। अब मैं चाहता हूं कि हमारा जो ट्रैफिक आ रहा है उसको हम कंट्रोल कर पाए, क्या कर पाए, कंट्रोल कर पाए। तो उस कंट्रोल करने के लिए वहां पर कुछ ट्रैफिक सिग्नल्स हमें प्रोवाइड करने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए उसके बारे में हम बात करेंगे, कुछ एमसीक्यू भी हैं जो आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगा मैं। अब क्या हो रहा है, देखिए हो सकता है हम रोटरी प्रोवाइड ना कर सकते हैं, हो सकता है हम रोटरी प्रोवाइड ना कर सकते हैं, चलिए आइए बात करते हैं। बाई चांस है कि हम वहाँ इतना रोटरी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, गुड आफ्टरनून बेटा, ठीक है, रोटरी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। चलिए बाई चांस हमने रोटरी प्रोवाइड नहीं करी कुछ कारणवश से, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, क्या रीजन है, कैसा सर ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो भैया हमने क्या किया, एक यहां से ये ए रोड है, ये बी रोड है, ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बस बेसिक समझ में आ जाएगा, बाकी तो आप लोग समझदार हैं, चीजों को ज्यादा मुझे डीप में नहीं जाऊंगा मैं, बट जो इंपॉर्टेंट है वो बात करना जरूरी है, ठीक है। चलिए गुड आफ्टरनून भैया, सब प्रेजेंट होंगे, ऑनलाइन प्रेजेंट नहीं होंगे तो ऑफलाइन होंगे, बट होना तो है ना, ऑनलाइन हो जाएंगे, लाइव हो जाएंगे, मतलब मेरा लाइव था, लाइव आ जाओ तो ज्यादा बेटर। चलिए ध्यान से सुनिए, यहां से एक व्हीकल आ रहा है, यहां से एक व्हीकल आ रहा है, ये क्या हुआ, ये बना दिया भैया कॉन्फ्लिक्ट, क्या बना दिया भाई ने, कॉन्फ्लिक्टनेस क्रिएट कर दी। कल मैं बता चुका हूँ कॉन्फ्लिक्टनेस क्या हो रही थी, ठीक है, ये बन गया कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट। तो इसी को खत्म करने के लिए हमने क्या किया, सिग्नल को डिजाइन कर दिया कि भाई हम डिजाइन कर रहे हैं कि पहले ये निकल जाए फिर ये निकल जाए, ठीक है। अब इस चीज को एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम के थ्रू ऑपरेट किया जा रहा है, वो सिस्टम देखिए हम सब उसके आदि हैं, लेकिन उस तरीको इस तरीके से किसी ने नहीं देखा होगा जिस तरीके से आज मैं बताऊंगा, उस तरीके से किसी ने नहीं देखा होगा जिस तरीके से आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। बस समझिएगा चीजों को, बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलिए तो ये तो समझ आ गया कि ट्रैफिक सिग्नल हमने क्यों प्रोवाइड करे हैं, प्रोवाइडेड एट इंटरसेक्शन वेयर देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ क्रॉसिंग एंड राइट टर्न ट्रैफिक एंड देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ सेवरल एक्सीडेंट, जहां पे क्रॉसिंग होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, काफी ट्रैफिक है और इंटरसेक्शन पॉइंट बनने लगते हैं, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक सिग्नल प्रोवाइड कर दिए गए। चलिए कराएंगे, डोंट वरी, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लाया हूं, लेकिन कंसेप्ट बताना बहुत जरूरी है दोस्तों, प्रैक्टिस क्वेश्चन आज कम है प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्योंकि आज मुझे कंसेप्ट बताना है, लेकिन कराएंगे जरूर, फॉर श्योर, ये मेरा वादा है, कुछ क्वेश्चन तो आपको कराऊंगा, कुछ होमवर्क दूंगा, ठीक है दोस्त, ठीक है, कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ होमवर्क दूंगा, वो आप करके लाइएगा। चलिए तो हाँ, अब बताइए मुझे, द टाइम इलेप्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ गेटिंग रेड टू पर्टिकुलर साइड ऑफ द बिगिनिंग टू नेक्स्ट रेड टू द सेम साइड इज कॉल्ड साइकिल, क्या बात कर रहा है ये। चलिए अब थोड़ा सा मैं पीपीटी को साइड में रख के आपसे थोड़ी देर बात कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी बात करता हूँ। आप सभी को पता है, बच्चा जानता है, ये मेरा गाड़ी चला के मैं बहुत तेजी से आ रहा हूँ, गाड़ी चला के यहाँ से बहुत तेजी से आ रहा हूँ, यहाँ पे एक सिग्नल लगा हुआ है, ठीक है, ये एक सिग्नल लगा हुआ है, सिग्नल पे तीन गोले बने होंगे फॉर श्योर, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, 1 2 क्या क्या होते हैं, एक होता है रेड,
एक होता है रेड, फिर क्या होता है, रेड के बाद क्या आता है, ग्रीन आता है, या ग्रीन के बाद क्या आता है, ग्रीन के बाद क्या आता है, एम्बर आता है। यही चीजों को मुझे समझना, ये रीड ग्रीन मैंने क्या बोल दिया, इसके बारे में ही डिस्कशन होने वाला है। देखिएगा, देखिए ये व्हीकल आ रहा है, पेन बदलने दो पहले मुझे देखने में, ये व्हीकल आ रहा है, इसने देखा अगर यहां रेड सिग्नल है तो उसे रुकना पड़ेगा। इसका रेड है मतलब इसका ग्रीन हो गया, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ये चार में मैं बोल रहा हूं, इसका रेड है तो किसी और का वो ग्रीन टाइम होगा फॉर श्योर, ठीक है। उसी चीज को हमें डिजाइन करना है, किस तरीके से ये सब चीजें निकाली गई है, जिससे क्रॉस होकर यहां पहुंच गया। बी व्हीकल यहां है और सी व्हीकल यहां पे, क्या हो गया कुछ देर बाद, क्या हो गया, पहले वो कंडीशन थी अब ये कंडीशन हो गई, ये ए ये बी। इसी टाइम पे क्या हुआ, जो ग्रीन था, जो ग्रीन सिग्नल था, ग्रीन क्या बन गया, येलो बन गया। क्या बन गया, ग्रीन येलो बन गया। अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा, अब येलो का मतलब क्या होता है, येलो का मतलब क्या होता है, येलो का मतलब ये होता है कि भैया अब क्या, शायद प्रॉपर हो गया सेशन, अब जल्दी से कमेंट करके बताइए बच्चों। प्रॉपर है दोस्त, जल्दी से कमेंट कर दीजिए तो हम सेशन वापस कंटिन्यू करते हैं, कुछ माइनर इश्यू आ गए थे, अब ठीक है, जल्दी से बताइए बच्चों कमेंट करके। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, अब सही लग रहा है, चलो बढ़िया है, अब सही हो गया है। तो कुछ नेटवर्क इश्यू आ गए थे जी, तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे ट्रैफिक सिग्नल के बारे में। ट्रैफिक सिग्नल के बारे में हम ये बात कर रहे थे बच्चों कि जो ट्रैफिक सिग्नल होता है, ट्रैफिक सिग्नल हमने प्रोवाइड ही इसलिए किया था कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स हम बचा सकें, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स को, ठीक है। इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए ही हमने क्या किया है कि ट्रैफिक सिग्नल वहां प्रोवाइड किया है जहां पर बहुत ज्यादा, जहां पर बहुत ज्यादा, कंटिन्यू करें, चलिए बढ़िया ठीक है, बहुत ज्यादा जहां पे इश्यूज आ रहे थे ट्रैफिक के चक्कर में, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स बनने की दिक्कत हो रही थी, वहां पर हमने क्या किया, ट्रैफिक सिग्नल प्रोवाइड कर दिए थे। चलिए लो वापस स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या बोला था, जो चीज मैंने बता दी थी वो शायद आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। हमने क्या बोला था कि ए व्हीकल है, एक व्हीकल अगर बीच में यहां रह गया और उसी टाइम पे एम्बर पॉइंट आ गया, उसी टाइम पे क्या हुआ, एम्बर पॉइंट आ गया, एम्बर सिग्नल आ गया, मतलब येलो सिग्नल आ गया, मेरे कहने का मतलब ये है, तो क्या होगा, ये व्हीकल ये सोचेगा कि यार मैं निकल जाऊं, ऑब्वियस सी बात है कोई ऑप्शन नहीं बचता है, आप ब्रेक लगाएंगे तो बीच में अटक जाएंगे। लेकिन जो व्हीकल यहां है, देखिए अब मैं आपसे क्या बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ठीक है। कोई व्हीकल यहां है और एक व्हीकल यहां है और तब येलो पॉइंट चालू हो गया है ना, ग्रीन और रेड का तो सबको पता है, क्लियर है कि जाना है और रुकना है, ठीक है। तब अगर येलो सिग्नल जल गया तो ये व्हीकल क्या करेगा कि यार मैं यहां तो ब्रेक लगाऊंगा, मैं क्या करूंगा, ब्रेक लगाऊंगा, पहले तो उसको देखना है कि येलो सिग्नल है, फिर क्या करना है, सोचना है क्या करूं, उसके बाद जो सोचा है उस पर अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद, ब्रेक लगने के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद हमारी गाड़ी रुक जाएगी। ये कुछ फैमिलियर सा लग रहा है, जाने पहचानी चीज लग रही है, सोचा देखा, सोचा अप्लाई किया और रुक गया, इसी को तो हम SHD नहीं बोलते थे क्या, इसी को हम SHD बोलते थे क्या, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, याद आया, याद आया, इसी को हम बोलते थे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो इसी चीज के लिए अगर ये व्हीकल ने ब्रेक लगाया तब तक आप यहां पहुंच जाएंगे, तब तक यहां पहुंच जाएंगे और रेड सिग्नल हो जाएगा, तो रेड सिग्नल हो जाएगा और भैया यहां ब्रेक लगाया था, यहां आके रुक गए, ये तो बीच में आके खड़े हो गए, यहां वाला तो इसको उड़ाते हुए चला जाएगा पूरा कोलिजन। जिस चीज से हम बचने के लिए, जिस चीज से हम बचने के लिए ट्रैफिक सिग्नल डिजाइन कर रहे थे उसका उल्टा काम हो जाएगा, इसलिए एम्बर टाइम, वीडियो ऑडियो क्लियर बट बफरिंग सर्कल विजिबल, क्या बात कर रहे हो, इधर तो अब कुछ भी नहीं है दोस्त, बाकी लोग कमेंट करें जितने बच्चे और भी हैं, कुछ ऐसा हो रहा है क्या, कुछ है क्या इशू, कुछ इशू है क्या, मुझे नहीं लग रहा आपको सेशन है इशू है, नहीं है ना कोई इशू,
सब क्लियर है अब, चलिए सब क्लियर है, ठीक है। हाँ तो मैं ये बात कर रहा था आप लोगों से कि क्या हुआ यहां से सेशन, क्या ये यहां से क्या हुआ, ये आएगा और इसके कोलिजन कर देगा, ये आएगा और यहां से कोलिजन कर देगा। बेटा रिफ्रेश कर लो एक बार अपना वीडियो तो सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज से बचने के लिए एम्बर टाइम कितना डिजाइन करना है, कितना डिजाइन नहीं करना है, उस सब के बारे में बात करेंगे। एक हम बात करेंगे कितना ग्रीन होना चाहिए, फिर कितना रेड है और कितना एम्बर है। मैंने बस आपको ये बताने की कोशिश करी है कि जो एम्बर सिग्नल है, एम्बर टाइम है, एम्बर मतलब क्लियरेंस टाइम, एम्बर को एक और नाम देंगे आप क्लियरेंस टाइम, ये जो है ये कितना प्रोवाइड करना है, क्यों प्रोवाइड करना है। सर रेड मतलब रुकना था, ग्रीन मतलब चलना था, तो ये एम्बर बीच में क्यों अपनी टांग अड़ा रहा है ना, क्यों अपनी टांग अड़ा रहा है, तो वो इसलिए अपनी टांग अड़ा रहा था जो मैंने बताया कि अगर ये कोई व्हीकल यहाँ है और अचानक से रेड आ जाए तो इसको सोचने में, ब्रेक लगाने में टाइम लगेगा, तो फिर उस हिसाब से हम एक सेफ्टी के लिए उसको डिजाइन करते हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा, उसको हम बोलते हैं एम्बर टाइम। चलिए तो ये बात हो गई, एक ऊपर से मैंने रफली आपको आइडिया दे दिया, आप थोड़ा सा डीप में समुद्र में गहराई में जाते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक हमारे जिस साइकिल की, ट्रैफिक साइकिल की। क्या होता है ट्रैफिक साइकिल, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बताने वाला हूं। एक साइकिल बनाया हमने, एक साइकिल बना दिया है ना, साइकिल क्या बता रहा है ये वो वाली चलाने वाली साइकिल नहीं है, ये चलाने वाली साइकिल नहीं है, ये दूसरी साइकिल है। एक रेड होता है, रेड के बाद क्या होता है, रेड के बाद ग्रीन होता है, और ग्रीन के बाद क्या होता है, एम्बर टाइम होता है। ये हमें साइकिल पता है, इस पूरे साइकिल को ही मेरे दोस्तों, इस पूरे साइकिल को ही एक साइकिल का नाम दिया गया। एक लेन पे एक जगह की ट्रैफिक को, एक टाइप की रोड, ये जो रोड थी हमारी, जैसे मैंने बोला रोड ए, तो इस रोड से पूरा ट्रैफिक रेड होने से लेके ग्रीन होने के बाद, एम्बर आने के बाद दोबारा जब रेड आ जाएगा, और वो जितना टाइम ड्यूरेशन है, दैट विल बी अ ट्रैफिक वन साइकिल टाइम। बिल्कुल समझ गए इस बात को, ठीक है समझ गए बात को। और ग्रीन टाइम मतलब चलना है, रेड टाइम मतलब रुकना है, और एम्बर टाइम मतलब क्लियरेंस टाइम। ये क्यों बोलते हैं क्लियरेंस टाइम, थोड़ी देर में इसको क्लियर करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको फेस डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, है ना। सारी चीजों की पीडीएफ है, डोंट वरी, बट यहाँ पर भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फेस डायग्राम के थ्रू इस चीज को मैं समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, है ना। एक रोड ए है, एक रोड बी है, बहुत ध्यान से देखिएगा, हमें रटना नहीं है आज कुछ भी, सिर्फ फॉर्मूला रटेंगे और कुछ भी नहीं, कंसेप्ट एक भी नहीं रटेंगे हम, ठीक है। चलिए तो इसमें मैं आपसे बोलूंगा कि तीन तरीके के हमारे टाइम आएंगे, एक दो तीन, चलिए ठीक है ना। पहला जो टाइम होगा दैट विल बी अ ग्रीन टाइम, ग्रीन विजिबल है कि नहीं है, विजिबल है, चलिए विजिबल है, ग्रीन टाइम। उसके बाद क्या आएगा, एम्बर टाइम। ए रोड की बात हो रही है क्या, ए रोड की बात हो रही है, तो जी ए लिख देता हूं, है ना, जी ए। दूसरा आ रहा है एम्बर टाइम, एम्बर टाइम मतलब बार बार बता रहा हूं क्लियरेंस टाइम, ए ए, एम्बर टाइम फॉर ए, ठीक है। मैं जिस जिसका कलर का जो है उसी से बता रहा हूं। लास्ट वन इज रेड टाइम, एन जी ए आर ए, क्लियर है ये चीज, विजिबल है बेटा, चलिए विजिबल है। अब मैं रोड बी की बात करता हूं, सिमिलरली ये चीज नहीं समझाना मुझे, जो समझाना है क्योंकि वो आगे काम आएगा, इसलिए मैं चाह रहा हूं यही आपको समझा दिया जाए, बराबर होगा रोड बी। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज यहां से निकल, इंपॉर्टेंट चीज यहां से निकल के आ रही है कि बेटा एक बात बताओ, जब रोड ए पे ग्रीन है उसी टाइम की बात हो रही है और एम्बर टाइम है, तो यहां पर क्या होगा, क्या यहां पे आर बी होगा, ये बस ये चीज मैं समझाना चाह रहा था आपको, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब रोड ए, दो रोड है, रोड ए रोड बी, ठीक है ठीक है, ये ए रोड है, तो जब इसके लिए ग्रीन और एम्बर, ग्रीन और एम्बर जो दिख रहे हैं तब तक इसके लिए तो रेड होगा ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो यहां पर जब ग्रीन और एम्बर था तो इसका बी जो चल रहा था रेड टाइम चल रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यहां पे बाकी ये क्या है, इसका बाकी यहां पे क्या आएगा, जी बी और ए बी, जी बी और ए बी। आई होप आप लोग चीजें समझे हैं, कंसेप्ट समझे हैं, नहीं समझे तो बोल दो मैं दोबारा समझा दूंगा, नहीं समझे तो बोल दो मैं दोबारा समझा दूंगा, समझ गए तो लाइक करो, ठोक दो लाइक, ठीक है। तो समझ आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ आगे समझ में, आई होप आप क्या होगा, बस यही कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं। जब एक रोड के लिए कोई चीज ग्रीन है या एम्बर है,
क्योंकि एम्बर टाइम में भी तो क्लियर करने के लिए उसने बोला है, दोबारा बोल रहा हूँ कि एम्बर टाइम का मतलब है अगर कोई व्हीकल यहां है या यहां भी है, उसको पता है कि जब वो सोचेगा तो यहां कहीं पहुंच जाएगा और कोई ठोक दे, बात समझ में आ रही है? तो उसी टाइम के लिए हमें डिजाइन करना है और उसी को मैंने नाम दिया है, उसी को हमने नाम दिया है एम्बर टाइम या क्लियरेंस टाइम। और जब इसका एम्बर और क्लियरेंस चल रहा है तो इसका रेड चले, ठीक है? तो यहां से एक टाइम निकल के आ रहा है। अच्छा, इस पूरे को क्या बोल दूंगा फिर मैं? इस पूरे को बोलूंगा टी दैट विल इक्वल टू साइकिल टाइम, ठीक है? चलिए, समझ में आ गई होगी ये बात, कोई दिक्कत नहीं है। टी कितने इक्वल हो गया, चलिए ये भी देख लेते हैं, टी किसके इक्वल हो गया, क्या टी हो गया टी इक्वल टू हो जाएगा जी ए प्लस ए ए प्लस, एग्री करते हो इस बात से? इस बात से एग्री करते हो? इस बात से एग्री करते हो? और एक और बोल सकता हूं, टी इज इक्वल टू, चलिए यहां नहीं लिखता हूं ये चीज क्योंकि मुझे यहां कुछ और लिखना है, यहां लिखता हूं टी ए इज इक्वल टू जी बी प्लस ए बी प्लस आर। इस बात से भी आप एग्री करेंगे मेरे हिसाब से, ठीक है? लेकिन क्या यही चीज थी जी बी? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, इसका मतलब क्या हो गया? आप ही बताएंगे, चलिए मैं नहीं बता रहा हूं, आप लोग ही बताएंगे। मैंने अभी ऊपर एक चीज समझाई है, दिस इज व्हाट जी ए और ए ए क्या है, क्या आर बी है? जी ए और ए ए क्या आर बी है? तो जहां जहां जी ए और ए ए मैंने लिखा है, इसको मैं क्या आर बी लिख सकता हूं? तो टी इज इक्वल टू क्या आर ए प्लस टी इज इक्वल टू जो है मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, जी ए प्लस ए ए आर ए को मैं क्या लिख रहा हूं, आर ए को मैं क्या लिख रहा हूं, जी बी प्लस, देखिए देखिए आर ए इज इक्वल टू क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू दिस, क्लियर है? अभी आगे फॉर्मूला में काम रखने के काम आएगा। सर आपने ये क्यों किया, क्यों किया? देखो हमें सिर्फ इससे एक फायदा हो गया, मुझे चाहिए टोटल साइकिल टाइम। देखो मैं यहीं पे ना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता दे रहा हूं, ये करते क्यों है, हमें निकालना है टोटल साइकिल टाइम एक लेन के लिए, एक ट्रैफिक के लिए क्लियर करने के लिए टोटल कितना साइकिल टाइम की जरूरत है। तो मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, ग्रीन टाइम, और मेरा काम हो जाएगा। इसमें मुझे दो दो तीन तीन चीजें चाहिए थी, है ना? तो एम्बर टाइम पता रहता है, हम एज्यूम कर लेते हैं, वो निकालूंगा एम्बर टाइम, कैसे कैलकुलेट करना है मैं बताऊंगा, कैसे कैलकुलेट करना है एम्बर टाइम वो मैं बताऊंगा, डोंट वरी, उसकी टेंशन मत लो। लेकिन जो ग्रीन टाइम बस वो निकाल लो, टोटल साइकिल टाइम निकल आया, बस समझ में आ गई। तो यहां पर इसलिए मैंने दो टर्म में ही इनको तोड़ दिया। सिमिलरली मैं टी बी भी लिख सकता हूं, इस टी को भी ऐसे लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, जल्दी बता दो, सेम लिख सकता हूं क्या, बताइए, विजिबल है या नहीं है, विजिबल है? ठीक है, समझ आया कि नहीं आया बच्चों, ये चीज समझ आई कि नहीं आई? आई होप आपको समझ में आ गई होगी बेटा चीज, ठीक है? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो नॉर्मल चीजें हैं, देखो जो मेथड्स हैं डिजाइन करने की, उनको मैं 10-10 मिनट में खत्म करूंगा, उनको मैं ज्यादा नहीं खींचूंगा क्योंकि आप, मुझे पता है आप लोगों को आता है वो, है ना? सिर्फ वेबस्टर मेथड को थोड़ा सा बताऊंगा, ट्राई साइकिल को थोड़ा सा बताऊंगा, वेबस्टर भी आती है मुझे पता है आप लोगों को, तो मैं उनके क्वेश्चंस डायरेक्ट लेके आ जाऊंगा, तो वहां से आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये समझना जरूरी है ना? ठीक है, आ गया समझ, चलिए आ गया समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को अगर डेफिनेशन बताना चाहूं कि नहीं बताऊं, आप लोग समझ गए हैं क्या होता है ग्रीन टाइम, क्या होता है रेड टाइम, क्या होता है, ये सब चीज आपको पता है ना? तो मैं इसके बारे में ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं। देखिए एक बार बता देता हूं, ग्रीन टाइम क्या है, किस लिए प्रोवाइड किया जाता है? ग्रीन टाइम प्रोवाइड किया जाता है कि अलाउ किया जाए कि ट्रैफिक क्लियर हो जाए, चलिए। ये एम्बर टाइम किस लिए प्रोवाइड किया जाता है? कि जो व्हीकल्स हैं एक अगर सर्टेन लिमिट में पहुंच गए हैं तो वो क्लियरेंस के लिए दिया जाता है, रेड रुकने के लिए कि दूसरी ट्रैफिक भी क्लियर हो सके। अपने चाचा नाना का रोड तो है नहीं, किसे पपड़नी अपन जाए, दूसरों को भी जाने का टाइम मिलना चाहिए। चलिए अब मैं बात करता हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आऊंगा पेडेस्ट्रियल पे भी आऊंगा, अब मैं बात करता हूं कि भैया चलिए सर आपने बता दिया ग्रीन टाइम कैसे निकलना है, एम्बर टाइम कैसे निकालना है। एम्बर टाइम निकालने के लिए उसका जो अपन ने अभी डेफिनेशन पढ़ी है ना, उसी में उसका आंसर है। देखिए क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये मेरा रोड है, ठीक है? इसके लिए मैं एम्बर कैलकुलेट कर रहा हूँ, वी रोड जिसकी विड्थ है डब्लू, चलिए है ना, विड्थ होगी डब्लू, ठीक है? ध्यान से देखिएगा बच्चों,
ठीक है, और गलत कर दिया। मान लो इस व्हीकल को यहां से जाना है, ठीक है, ये और ये व्हीकल है एक दूसरे, ठीक है, तो ये विड्थ होगी W, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये हो गई W, A ले लेता हूं या V ले लो, चलो कोई भी ले लो, जो भी आपका मन है, W B ले लो, A ले लो और ये W B ले लो, ठीक है, ये वाली विड्थ W B ले लो, दोनों की विड्थ होगी। मैं चाहता हूं इसके लिए अभी मुझे सिग्नल डिजाइन करना है, एम्बर टाइम निकालना है, कितना आएगा एम्बर टाइम, ध्यान से देखिएगा। अब क्या हुआ ये व्हीकल, अब क्या हुआ, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, है ना, इस चीज को, ये व्हीकल यहां कहीं है ना, और इसी टाइम पे ये इतनी डिस्टेंस दूर है अभी, है ना, इतनी डिस्टेंस यहां पे दूर है, ठीक है, इसी टाइम पे क्या हुआ, यहां पर सिग्नल हो गया येलो, कौन सा सिग्नल हो गया बच्चों, येलो सिग्नल हो गया, कौन सा सिग्नल हो गया, येलो, यहां पे इनको दिख रहा, अब ये ड्राइवर को दिखा, ये बड़ी स्पीड में आ रहा था क्योंकि इसके पहले कौन सा सिग्नल था, इसके पहले कौन सा सिग्नल था, ग्रीन सिग्नल था, तो बढ़िया स्पीड में आ रहा था कि चलो अपन तो निकल जाएंगे, लेकिन क्या हुआ, अचानक येलो सिग्नल दिख गया, तो अब इसके पास सोचने के लिए समय मिला, इसको सोचना पड़ेगा कि अब क्या करें, सोचना पड़ेगा कि अब क्या करें, सोचा फिर डिसाइड कर लिया कि नहीं यार मैं तो ये करूंगा, यार मुझे जाना है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो भी डिसाइड किया और फिर इसने अपना काम चालू, या तो स्पीड बढ़ा लेगा या ब्रेक लगा देगा, दो में से एक चीज करेगा। तो ये जो सोचा, अप्लाई करना, ये सब चीजें थी इसमें उसने, और फिर एक्शन किया, उस सब में एक डिस्टेंस इसने क्या करा, डिस्टेंस इसने क्या करा, कवर करी, उसी डिस्टेंस को हमने क्या बोला है, ये डिस्टेंस कवर कर ली, सपोज है ना, ये डिस्टेंस, और व्हीकल आ गया यहां, ठीक है, जस्ट यहां आ गया, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, आप बोलेंगे सर इतना ही क्यों, ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, सब बताऊंगा, बस मैं अभी जो बताते जा रहा हूँ शांति से सुनते जाओ, ठीक है, मैं सब आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, बस सुनते रहो, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये यहाँ आ गया, ये अभी हम एजम्पशन पे बात कर रहे हैं ना, ये यहाँ कहीं आ गया, तो इस ये जो डिस्टेंस इसने कवर करी, दैट विल बी अ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, यस और नो, यस और नो, यही थी क्या स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, किसी ऑब्स्ट्रक्शन को देखा कि यार अब मुझे कुछ करना है, या तो मैं सोचूंगा कि उसके ऊपर से धूम मचा के निकल जाऊं, अपन जॉन अब्राहम बनेंगे और उचका देंगे उस पत्थर पे से, या नहीं यार अपन जॉन अब्राहम नहीं है, अपन तो नॉर्मल इंसान है, तो अपन नहीं उचका पाएंगे, अपन को ब्रेक लगाना है, ये सोच लिया, ठीक है, ब्रेक लगा या साइड से निकलना है, जो भी आपने सोचना है, आपकी बुद्धि से आपने सोच लिया और उसके हिसाब से आपने अपना काम किया, जो भी आपको काम करना था, फिर आपने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रुकी, ये टोटल जो कार्यक्रम आपने किया, दैट विल बी अ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, जिसको मैंने लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस बोला था, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, ये इससे ज्यादा सुनना है तो जाके चेक करके आओ, जाके चेक करके आओ जल्दी से, है ना, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस चेक करके आओ, ठीक है। तो यही थी मेरी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, बिल्कुल यही थी अभी, लेकिन क्या ये क्लियर हो गया, एम्बर टाइम क्लियर करने के लिए था, ये हो गया स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, क्या प्लस होगा इसमें, क्या ये विड्थ क्लियर होगी, क्या अब ये विड्थ भी क्लियर करनी है, तो हो गया डब्ल्यू ए। और एक और चीज जल्दी बता दो, अब जो थोड़ा सा अपन जो रात शाम को एप्टीट्यूड पढ़ते हैं ना, वो चीज यहां आ गई काम में, आप यहां तक पहुंच गए, लेकिन भैया भी ये पूरा व्हीकल भी तो करना है कवर, ये व्हीकल नहीं करना है क्या कवर, तो प्लस एल, दिस विल बी अ टोटल डिस्टेंस, बोलो ये हुई कि नहीं हुई टोटल डिस्टेंस, की नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई टोटल डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस उसको क्लियर करनी पड़ेगी कि नहीं, देखो बिल्कुल नहीं रटवा रहा हूं मैं, बिल्कुल आपको एक एक चीज समझा रहा हूं, आप बोलो तो एक बार और समझा दूं, एक बार और शॉर्ट में समझा रहा हूं, जल्दी से सुन लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोग ये चीज को रटें, बिल्कुल नहीं चाहता मैं आप लोग को रटें, मुझे निकालना है टोटल एम्बर टाइम, लेकिन उसके लिए मुझे पता तो चलना चाहिए मुझे कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, मैं टाइम निकाल लूंगा, मुझे मैं निकाल रहा हूं यहां पे कि कितना सिग्नल डिजाइन कर रहे हैं अपन, तो अपन यहाँ पे इंजीनियर बन गया, बहुत आता है अपन को डिजाइन करना है कि कितना टाइम किसको देना है, ठीक है, हमारे पास सारा डाटा आ चुका है। चलिए, मैंने बोला स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस मिल गई, अपन ने देखा है एम्बर टाइम येलो सिग्नल है, हमें भैया व्हीकल रोकना है या बढ़ाना है या क्लियर करना है, हमारा काम है क्लियरेंस, एम्बर का मतलब ही होता है क्लियर करना, रोकना नहीं रोकना वो बाद में बात करेंगे, हमें अपना व्हीकल उस डिस्टेंस से कवर करके सेफली ग्रीन पे ले आना है, अगर ग्रीन के पहले कुछ हो गया तो मतलब फेल है, अपनी सिग्नल और अपना व्हीकल सब फेल हो गया, ठीक है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले बोला एक स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, भाई ने सोचा देखा और जो भी था उसने अप्लाई किया, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के अंदर है ये चीज, है ना, इसे तो क्लियर होना ही होना है, ये हमने स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस दे दी जो हम निकाल लेंगे। उसके बाद मैंने विड्थ ली जिस रोड की, जिस रोड को कवर करना है,
ये याद रखिएगा, कोई इस रूट की विथ मत ले लीजिएगा, नहीं तो पूरा गलत हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। साकेत जी अब बीच में आके बोल रहे हैं विथ क्यों कवर करना है। चलिए साकेत जी, एक तो आप पहले प्लीज टाइम पे आया करो। चलो इस बारे में बता दे रहा हूं, देखिए ध्यान से सुनिए। बच्चे का डाउट आया है कि सर विथ क्यों कवर करना है। देखो बच्चों, हम डिजाइन कर रहे हैं, देखो बच्चों दो रोड है, एक रोड है दिस, ये बी रोड बोली मैंने, ये ए रोड बोली, ठीक है बच्चे। यहाँ पे कोई ट्रैफिक है, यहाँ पे कोई व्हीकल है, उसको यहाँ आना है, इधर से पार होना है, और यहाँ पे येलो डिस्टेंस, येलो लाइट जल चुकी, यहाँ पर येलो लाइट जल चुकी, उसको यहां से यहां आना है, तो ये विड्थ कवर करनी पड़ेगी ना बेटा। अब आ गया साकेत जी समझ में? तो ये हो गई एसएसडी, ये हो गई एसएसडी, और ये विड्थ हो गई दिस वन विड्थ। अब आ गई बात समझ में? अब आ गई बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही चीज आपको यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और 90% बच्चे गलत करके आते हैं, क्योंकि बच्चे फॉर्मूला याद करके रखे हैं, जो बहुत गलत बात है। आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, आपको समझना है करना क्या है। फॉर्मूला याद है तो आप ये विड्थ लगा दोगे, इस व्हीकल की जब क्लियरेंस टाइम आप निकाल रहे हो तो ये विड्थ होगी। अगर दोनों की रोड विड्थ सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कभी बाई चांस कुछ घुमाने के लिए गलत दे दिया, अलग दे दिया, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है साकेत जी समझ आ गया? तो ये विड्थ क्लियर करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि मैं व्हीकल चाहता हूं ये स्क्वायर को पार करके इसको आगे जाना है कि नहीं जाना है, आगे जाना है, तो आगे जाने के लिए ये विड्थ उसको क्लियर करनी पड़ेगी। तो भैया चलिए ये विड्थ क्लियर हो गई, यहां तक आ गया, लेकिन अभी भी व्हीकल का पिछवाड़ा तो बचा है। व्हीकल की सिर्फ ऐसा थोड़ी है, हेडलाइट बस आगे चली जाए, पूरा व्हीकल पता चले आपका, पूरा व्हीकल पता चला आपने विड्थ क्लियर कर दिया, आप यहां आ गए, आधा व्हीकल आ गया, अब फिर और टाइम चाहिए, नहीं तो ये पीछे का कोई ठोक देगा, पीछे का कोई ठोक देगा, पीछे का कोई ठोक देगा। तो इसलिए मैंने पूरी लेंथ ऑफ व्हीकल ले ली, तो क्या हो गया दिस वन। अब आया समझ में? आया समझ में कि नहीं? हो रही एल क्या होता था? जनरली 6 मीटर होता था, आई होप आपको याद होगा। सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ यहां पर अप्लाई करना है, और यही एक ट्रू सिविल इंजीनियर। ठीक है, ये चीजें अगर आप रट के कर रहे हो कभी एक अच्छे इंजीनियर नहीं बन सकते। हमें ये चीजें ड्राइव करनी आनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए ड्राइव। तो भैया टोटल डिस्टेंस आ गई दिस एसएसडी प्लस विड्थ ऑफ रोड ए, ये ए रोड है, हम डिजाइन इसके लिए कर रहे हैं, ये ए रोड है, और प्लस लेंथ ऑफ व्हीकल, ये क्या आ गया बेटा, ये आ गई टोटल डिस्टेंस। हम निकाल क्या रहे थे, हम निकाल क्या रहे थे, एम्बर टाइम। एम्बर टाइम मतलब येलो सिग्नल कितनी देर तक रहे, हम ये चाहते हैं कि येलो सिग्नल कितनी देर तक रहे। तो भैया मुझे टाइम निकालना है, बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या स्पीड का, क्या पढ़ा था फॉर्मूला स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ा था क्या, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बचपन में, जब छोटे थे अपन, बड़ी शरारत करते थे जब, है ना। तो भैया डिस्टेंस है, टाइम निकालना है, तो क्या करूं, टाइम निकालना है तो क्या करूं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दूं क्या, तो क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा क्या, बोलो। बहुत इजी चीज है, बच्चे नॉर्मली फॉर्मूला डायरेक्ट याद करते हैं। मैंने आपको 10 मिनट ज्यादा लिए लेकिन चीजों को समझा दिया, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लिया मैंने, लेकिन मैंने लाइफ टाइम के लिए आपको समझा, है ना बच्चों। और छोटे मोटे एग्जाम में बहुत प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब मेरे पास डिस्टेंस कितनी थी, डिस्टेंस कितनी निकाल ली मैंने, एस एस डी प्लस डब्ल्यू ए प्लस एल। अब कोई पूछे कि ये W A कहां से आया, L कहां से आया, तो उसके मुंह पे बोलना है। और यहां क्या नीचे आ गया, V, और ये नीचे इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू क्या है, एम्बर टाइम। तो हमने ग्रीन सिग्नल, ग्रीन टाइम निकाल लेंगे, एम्बर टाइम भी पता चल गया, क्लियर है। किसी को कोई भी दिक्कत है जल्दी से पूछ लो, दिक्कत है तो जल्दी से पूछ लो। यहां से हमने निकाल दिया एम्बर टाइम। अब कुछ बच्चे आ सकते हैं जिनके दिमाग में खुरापाती दिमाग आता है, उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है। चलिए ये समझ आ गया कि नहीं, यहां तक कोई दिक्कत है जल्दी पूछो तो मैं आगे बढ़ू। कोई दिक्कत यहां तक, पसंद आया कि नहीं आया बेटा, पसंद आया तो जल्दी से ठोको लाइक। जल्दी बताओ पसंद आया और समझ आया कि नहीं, मेन है समझ में आना चाहिए। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए तो भाइयों, अब मैं ये बोल रहा था कि कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि सर यार आप बोल रहे हो कि चलिए मैंने मान लिया, कुछ हो सकता है व्हीकल बहुत दूर है, हो सकता है कि कुछ व्हीकल
ये जो SSD हमने माना है उसके बहुत दूर है और कुछ हो सकता है सर यहाँ हो, ये बात हो सकती है। चलिए मैं मिटा रहा हूं इस चीज को थोड़ी देर, आप लोगों का जो डाउट है उनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। देखिए कुछ बच्चे बोलेंगे ये इंटरव्यू का क्वेश्चन हो गया, एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में तो एम्बर टाइम निकालने आएगा, आप यहां से निकाल दोगे। एक इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है कि यार आप इसके लिए डिजाइन कर रहे हो, कोई यहां है तो, कोई यहां है तो उसके लिए तो आपने एम्बर टाइम डिजाइन नहीं किया, क्या आंसर है इसका, इसका एम्बर टाइम कैसे डिजाइन करोगे? सर मैंने मैक्सिमम के लिए डिजाइन कर दिया, मैंने मैक्सिमम के लिए डिजाइन कर दिया तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली निकल गया। यार जब यहां वाला व्हीकल जा रहा है तो यहां वाला तो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा, है ना? बिल्कुल समझ में आई बात, समझ में आई बात। अभी उस पर अभी नहीं पहुंचे हैं, अभी हमें प्लीज हम बताएंगे कि जनरली कितना लेते हैं, वो क्या करते हैं, उस पर आएंगे प्लीज। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि एम्बर टाइम डिजाइन कैसे किया जाता है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपको एम्बर टाइम दिया रहे, कभी कभी एम्बर टाइम निकालने को पूछ लेता है। जो PSC की एग्जाम होती है, स्टेट लेवल की एग्जाम होती है, वहां पे आपको निकालने के लिए बोल देते हैं कि एम्बर टाइम निकालो इसका। बात समझ में आई? आपको दे देगा सब कुछ, ग्रीन टाइम दे देगा, रेड टाइम दे देगा, ठीक है, और बोलेंगे कि इसका टोटल साइकिल टाइम निकालो, तो आपको सबसे पहले एम्बर टाइम निकालना पड़ेगा और उसके बाद आपको टोटल साइकिल टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ सकता है बच्चों, ठीक है? तो वहां पे जब उसने बोला एम्बर टाइम निकालना है तो वहां पे 2 सेकंड मत लगाना, फिर आपको वहां कैलकुलेट करना। अगर उसने दे के रखा है कि जनरली इतना ले लो तो बात अलग है, ठीक है? चलिए, तो मैं आपको यह बता रहा था कि यार जब यहां वाला व्हीकल पास हो रहा है तो यहां वाला तो ऑटोमेटिकली क्लियर कर जाएगा इस रोड को, मैंने ये वाली बात करी है, ऑटोमेटिकली इस रोड को क्लियर कर जाएगा। लेकिन अगर कोई SSD से भी पीछे, अगर कोई व्हीकल जो हमने स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकाली उससे भी पीछे, तो उसके पास सफिशियंट टाइम है ब्रेक लगाने के लिए और इसके पहले ही रुक जाए। सफिशियंट टाइम है कि नहीं है, है कि नहीं है, तो उसके लिए एम्बर टाइम की कोई जरूरत नहीं है, वो तो डायरेक्ट TR रिएक्शन टाइम प्लस V/A से निकल सकता। मतलब ये क्या, ये किस लिए है कि ये रुक जाए पहले, ये है रिटार्डेशन और ये वेलोसिटी और ये रिएक्शन टाइम, ठीक है, ये रुक जाए। ये पूछा नहीं जाता एग्जाम में, बट मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया, ठीक है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया बच्चों, क्लियर है? कोई दिक्कत है तो पूछो जल्दी से। अब मैं धीरे धीरे गेट के क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं, जहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है? अब जो धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं गेट के क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब जो बोल रहे हैं कि एम्बर टाइम हम 2 सेकंड जनरली क्यों लेते हैं, देखिए वो लेन के हिसाब से होता है, इधर से ना कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हम निकाल लेते हैं कि मैक्सिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितनी होगी, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस मतलब कि कितना वेलोसिटी से आ रहा है, उस हिसाब से हम एज्यूम करके IRC ने बोला है कि इतना भैया रिकमेंड कर दो। लेकिन जनरली कभी कभी निकालना पड़ सकता है, उसके लिए फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, मैं बोल रहा हूं तो फॉर्मूला याद रखना। चलिए अब हम बात करते हैं, जरा इंपॉर्टेंट बात आते हैं, इंपॉर्टेंट बात ये आती है, इसको हो गया एम्बर टाइम अपन ने निकाल दिया, कैलकुलेट कर दिया, बात खत्म। अब एक इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एकदम प्रैक्टिकली बात होगी, ठीक है? क्या हुआ, मैं यहाँ पे व्हीकल अपना लेके खड़ा हुआ था, कार लेके खड़ा हुआ था, सामने रेड है, क्या है सामने रेड है, ठीक है, रेड खत्म हो गया, रेड खत्म हो गया, उसके बाद क्या आएगा, रेड के बाद क्या होगा बताओ, कमेंट करो, रेड के बाद क्या होगा, क्या ग्रीन होगा, ग्रीन होगा, ऑब्वियसली बात ग्रीन होगा। तो यार रेड के बाद जब ग्रीन आया तो क्या हम फ्लैश है कि रेड ग्रीन चालू, क्या होगा, कुछ के व्हीकल चालू होंगे, कुछ के नहीं चालू होंगे, कुछ चालू करेंगे, फिर कुछ गियर लगाएंगे और फिर आगे, यही होगा। इसमें क्या हुआ, कुछ टाइम का लॉस हुआ कि नहीं हुआ, जब आप रेड से ग्रीन में गए तो क्या हुआ, लॉस हुआ या नहीं हुआ, यस और नो, यस और नो। तो इस लॉस को मैंने बोला है, कौन सा लॉस बोला है, जब रेड से ग्रीन में गए तो इस लॉस को मैंने बोला है स्टार्टअप लॉस। ये कोई नहीं पढ़ाता लेकिन गेट में यहां से प्रश्न आया हुआ है ना, यहां बहुत बच्चे कम पढ़ाते हैं, रेड के बाद एम्बर फिर ग्रीन, क्या बात कर रहे हो दोस्त, क्या बात कर रहे हो भाई, के डाउट क्लियर करो, पहले ग्रीन फिर एम्बर फिर रेड फिर ग्रीन, ये मैंने यहां पे फेस डायग्राम बनाया, ये देखो दोस्त, इसको आपको जी चालू हो गया वापस वीडियो, चालू हो गया बच्चों वीडियो, अगर कभी ऐसा होता है, आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है, कभी होता है
अगर कभी ऐसा होता है तो दिक्कत मत लेना, एक दो मिनट वेट कर लिया करो। क्लियर हो गया पहले बताओ, वीडियो क्लियर हुआ कि नहीं? ऑल गुड, यस सर क्लियर। कभी ऐसा होता है तो तुरंत मत भागा करो, एक आध मिनट वेट कर लिया करो। चलिए क्या बोल रहे हैं ये सर, देयर आर टू एम्बर्स इनिशियल एंड क्लियरेंस। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या बोल रहे हैं, एम्बर टाइम को क्लियरेंस टाइम बोला है हमने। आपका मैं डाउट क्लियर करता हूं दोस्त, आपके दिमाग में एक डाउट चल रहा है अभी जी मैं आपका डाउट थोड़ी देर में क्लियर करता हूँ, पांच मिनट दो मुझे, ठीक है? मैं क्योंकि इसको भी बीच में नहीं छोड़ सकता हूँ, प्लीज, है ना? तो एक मैंने बोला है स्टार्टअप लॉस और एक बोला है क्लियरेंस लॉस। छोटा सा डाउट है आपका अभी जी, टेंशन मत लो, मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है? और इस दोनों का मैंने सम जो बोला है दैट विल बी अ लॉस, टोटल लॉस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इंक्लूड है किसमें, साइकिल टाइम में, जो हमारा टोटल साइकिल टाइम है उसमें हमें इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा कि कुछ लॉस हो रहा है, ठीक है? कुछ लॉस हो रहा है तो, क्योंकि हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए डिजाइन करते हैं ना कि भैया मैक्सिमम टू मैक्सिमम कुछ ऐसे बदमाश रहे भी तो भी अपना काम हो जाए। गाड़ी जो है ना, जनरली बोला जाता है कि दो से ज्यादा व्यक्ति नहीं बैठने चाहिए, जो टू व्हीलर होती है, लेकिन तीन भी बैठते हैं, चार भी बैठते हैं, पांच भी बैठते हैं, तो उन बदमाशों के लिए भी डिजाइन करी जाती है कि दो से ज्यादा तीन बैठ जाए तो गाड़ी बैठ ना जाए। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो उसी प्रकार से यहां पर भी है कि इस लॉस टाइम को भी टाइम कंसिडर किया गया है। तो अब मुझे बताओ, ठीक है जी, बिल्कुल, दो लॉस आ गए, स्टार्टअप लॉस एंड क्लियरेंस लॉस, ठीक है? दोनों लॉस का मतलब समझ आया? तो मैं इसको एल से डिनोट कर रहा हूं, एल इज इक्वल टू हो गया एल एस आई प्लस एल एस सी। प्लीज इसको याद रखिएगा बच्चों, प्लीज इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैंने बोला है एस आई स्टार्टअप लॉस टाइम और क्लियरेंस लॉस टाइम, ठीक है? याद रखिएगा, बहुत कम लोग हैं जिसको पढ़ाते हैं, लेकिन मैं इसको पढ़ाऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अब जो क्वेश्चन था आपका, क्या नाम है अभी जी, क्या क्वेश्चन था आपका, पूछिए जरा जल्दी पूछिए, जिसका अभी तक जो जो क्वेश्चन है जल्दी से पूछ लो, क्योंकि मैं फिर इफेक्टिव ग्रीन टाइम बताने वाला हूं, इसी को कंसीडर करके। अभी क्या डाउट है तुम्हारा जल्दी पूछो, या जिसका जो भी डाउट है जल्दी पूछो। जल्दी पूछो अगर पूछना है तो, नहीं पूछना है तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। पूछना है? चलो शायद चलेगा नहीं, मैं थोड़ा सा टाइम देता हूं, उस टाइम पे पूछ लिया करो। चलिए खैर आगे बढ़ता हूं, एम्बर अरेंजमेंट पूछा। चलिए देखिए क्या होता है, अभी दो मिनट बता देता हूँ, टाइम पे आया करो। देखो बता चुका हूँ ये चीज, में टाइम पे आया करो बच्चों, दो मिनट बता दे रहा हूँ, ठीक है? आप भी देख लीजिए, कभी डाउट ना आए इसलिए रिवीजन हो जाए। देखो बच्चों क्या होता है, दो रोड है, ये दो रोड है, ठीक है? मैं मान लो सपोज एक ही रोड है, ठीक है? चलो ये रोड है ना, ये रोड है, आप यहां पर हो, कहां हो आप, यहां पर हो दोस्त, ठीक है? एक मेरी कार है, मेरे पीछे अभी की कार है, और अभी के पीछे राजकुमार की कार है, राजकुमार के पीछे और भी कौन कौन है, जो जो भी है, साकेत है, सब सबकी कार है, ठीक है? ये चार कार लगी हुई है, ठीक है दोस्त? यहाँ पे अभी सिग्नल लगा होता है, यहाँ यहाँ लगा रहता है ना, इसके रोड के लिए यहाँ सिग्नल है। तीन लाइट होंगी, कौन कौन सी होंगी, अभी मत पूछना कौन कौन सी होंगी, ये सबको पता है कौन कौन सी लाइट होती है, कौन कौन सी होती है, ग्रीन, एम्बर और रेड, ये तीन लाइट होती है, ठीक है? सपोज आपकी किस्मत अच्छी है, ग्रीन जल रही है, तो क्या होगा, ये निकल जाएगा, उसके पीछे ये भी निकलेगा, उसके पीछे ये भी निकलेगा, यही काम होगा। ये निकल रहा है, ये जो भी था मैं था, ये है ना मैं था, तो मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं यहां पहुंच गया, ये मैं था, अनुज, ए फॉर अनुज, मैं यहां पहुंच गया, ठीक है? मैं यहां पहुंच गया, मेरे जस्ट पीछे मान लो अभी था, अभी राजपूत है ना, तो मैं राजपूत लिख रहा हूं, वो यहां पहुंच पाया, राजपूत जी यहां पहुंच पाए, और उसके पीछे जो भी थे राजकुमार जी, वो यहां पे है ना। अब ग्रीन टाइम खत्म हो गया, तो ग्रीन टाइम के बाद अगर जस्ट रेड दे देंगे बेटा, जस्ट रेड दे देंगे, तो क्या होगा, आपको यहां रुकना पड़ेगा, रेड मतलब रुकना है, यहां रुकना पड़ेगा, तो लफड़ा हो गया, क्योंकि रेड के बाद अपना रेड मतलब इनका ग्रीन, दिक्कत हो गई। तो क्या होता है, ये तो मैं तो निकल गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आप लोग फंस गए, क्योंकि अब तो आप लोगों के लिए ही एक टाइम बनाया गया है ग्रीन के जस्ट बाद में, दैट विल बी अ एम्बर टाइम, और एम्बर को ही बोला गया है क्लियरेंस टाइम, ठीक है? उसका मैंने डिजाइन बता दिया है कैसे करना है, आप ऊपर देख सकते हैं, ठीक है? ठीक है,
उसी को बोला गया है एम्बर टाइम। एम्बर मतलब क्लियरेंस, मतलब जब येलो लाइट जलती है उसका मतलब भी है आप जो जो हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अब एक बात बताओ, मान लो येलो सिग्नल जल गया, ये जल्दी से सोचेगा मैं क्लियर हो जाता हूं, चलिए हो गया, ये भी सोच सकता है और स्पीड में निकल भी जाएगा। क्या ये सोच सकते हैं कि यहां येलो सिग्नल हो गया क्या मैं निकल सकता हूं? ऑब्वियस सी बात है, आप कितना भी चला लो यहां तक पहुंच पाओगे या यहां तक पहुंच पाओगे और रेड आ जाएगा, और रेड आ जाएगा अपना रेड मतलब इनका क्या, अपना रेड मतलब इनका क्या, इनके लिए ग्रीन। बात समझ आई कि नहीं आई? बात समझ आई कि नहीं आई? और जब अपना ग्रीन प्लस एम्बर चल रहा था, किसका, अपने वाले का, मान लो अपन ए है, अपना ग्रीन प्लस एम्बर चल रहा था तो इनका क्या चल रहा था, रेड चल रहा था। यही चीज मैंने यहां समझाई, फेज डायग्राम ये देखो, रोड ए था उसका ग्रीन प्लस एम्बर तो इनका क्या चल रहा है, रेड। यही चीज मैंने यहां समझाई, जिन्होंने शुरू से लेक्चर देखा उनको सब समझ में आ गया। तब बी का क्या चल रहा है, रेड, और जब अपना रेड चल रहा है तो बी का क्या चल रहा है, ग्रीन, और उसमें एम्बर, ये एम्बर भी चल रहा है तब भी अपन रुके हुए हैं क्योंकि ये क्लियर हो रहे हैं बाकी के। बिल्कुल सही, समझ गया भाई, अभी समझ गए। और एम्बर टाइम कैसे डिजाइन करते हैं वो आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा दोस्त, बट मैंने इसलिए बता दिया कि यार आप पढ़ रहे हैं और बीच में क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ भी आपको क्लियर कर दिया। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ जी, अब हम थोड़ा सा वापस आ जाओ अपने मोड में, क्या पढ़ रहे थे हम लॉस निकाला था हमने, कि यार इस सब के दिक्कत में क्या हुआ, हमारा लॉस भी हो गया, लॉस भी हो रहा है, कुछ लॉस भी हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो हमारे साइकिल टाइम पे इफेक्ट डालेगा, टोटल साइकिल टाइम। आई नो आप, आई होप आप जानते हैं टोटल साइकिल टाइम क्या निकाला हमने, क्या निकाला था टोटल टाइम ए के लिए, ए के लिए टोटल साइकिल टाइम क्या निकाला, जी ए प्लस ए ए प्लस आर ए, ग्रीन टाइम फॉर ए, एम्बर टाइम फॉर ए प्लस रेड टाइम फॉर ए, ठीक है। एक पूरा साइकिल जब कंप्लीट हो रहा है, एक पूरा साइकिल, यहां पे रेड था, रेड से ग्रीन आए, ग्रीन से एम्बर आए, एम्बर से रेड आए वापस, तो ये जो पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है जितने टाइम में हो रहा है दैट विल बी अ टोटल साइकिल टाइम, दैट विल बी अ, बिल्कुल है ना, दैट विल बी अ टोटल साइकिल टाइम। और मैंने एक और चीज यहां बताई थी, एक और चीज बताई थी क्या, कि ये जो जी ए प्लस ए है ये किसके इक्वल है, आरबी के, है कि नहीं है, आर ए किसके इक्वल है, जीबी प्लस आरबी। तो मैंने क्या किया था देख लो, ये था अपना तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, जीबी प्लस आरबी में, जीबी प्लस ए बी में, सॉरी, क्लियर है। ये देख लो, जीबी प्लस ए बी इज इक्वल टू आरबी। बात समझ आई कि नहीं आई बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बार बार इसको क्यों फोर्स कर रहा हूं, जीबी प्लस ए बी इज इक्वल टू आरबी। सिमिलरली अपने मन से फटाफट बोल दो, जी ए प्लस ए इज इक्वल टू आरबी, यहां आ रहे होगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आ रहे होगा है ना, जल्दी जल्दी मिल गया, ठीक है, क्लियर है बेटा, डन है कि नहीं है, एक भी डाउट नहीं होना चाहिए दिमाग में, एक भी डाउट किसी के दिमाग में नहीं होना चाहिए, क्लियर है। तो ये निकाल दिया टोटल साइकिल टाइम, यहां से अपन बदल देंगे इसको है ना, आर ए को क्या लिख देंगे, जी ए जी बी प्लस ए बी, रट जाएगा लेकिन हमने रटा नहीं है, हमें याद है, समझ में आ गई है सारी चीजें, ये ए है, ठीक है। चलिए तो ये चीज हो गई, ये इसको इफेक्ट कौन कर रहा है, इसमें हमने किसको कंसिडरिंग दिया है, टोटल लॉस को, और जो टोटल लॉस हुए हमारे कौन कौन से हो गए बच्चा, टोटल लॉस जो हमारे हुए कौन कौन से हो गए, जल्दी बता दो, जो हमारे टोटल लॉस हुए हैं, एक है क्लियरेंस, एक है क्लियरेंस एंड अनदर वन इज स्टार्टअप, स्टार्ट कर रहे हैं जब, और जब क्लियर कर रहे हैं तब, ये हमारे टोटल लॉस हुए हैं जो इफेक्ट करेंगे, जो इफेक्ट करेंगे किस चीज को, हमारे ग्रीन टाइम को, इफेक्टिव ग्रीन टाइम। ये सुनो, यहां बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, यहां बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से देखिएगा, लेकिन आप नहीं होंगे कंफ्यूज, मैं वादा कर रहा हूं आपसे, जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, एक एक बच्चे को समझ आ जाएगा, ठीक है, यही फायदा है, यही फायदा है लाइव देखने का, ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो जाती है। आई होप अभी का भी क्लियर हो गया होगा डाउट, अब विक्ट्री भेज रहे हैं अभी, मतलब क्लियर हो गया है ना अभी, चलिए ठीक है। चलिए अब मुझे बताओ, हमारा जो ग्रीन टाइम था, इफेक्टिव ग्रीन टाइम था, यही था, ये ग्रीन टाइम था, ग्रीन टाइम के पहले क्या था, ग्रीन टाइम के पहले क्या था, ग्रीन टाइम के पहले क्या था, रेड था कि नहीं था, रेड था ना, तो इसी लॉस को क्या मैंने स्टार्टअप लॉस बोला था, स्टार्टअप लॉस टाइम बोला था कि नहीं बोला था, बोला था कि नहीं बोला था। और एक और बात जल्दी फटाफट कर लो, इसके बाद क्या आ गया था, क्लियरेंस टाइम आ गया था, उसमें भी कुछ लॉस हुए थे, उसको मैंने क्या नाम दिया था, उसको मैंने क्या नाम दिया था, क्लियरेंस दिया था, अरे यार
हाँ जी ठीक है, तो इसको मैंने क्या नाम दिया था, टी क्लियरेंस टाइम दिया था कि नहीं दिया था, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहां पे लॉस को कंसीडर कर रहे हैं मेरे दोस्त। मैं जानता हूं ये चीज कोई नहीं पढ़ाता है, इसलिए मैं इस चीज को आपको पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं आपको ये चीज पढ़ा रहा हूं। अब मेरी बात सुनिएगा, ये क्या है, ये क्या है टोटल ग्रीन टाइम, ध्यान से देखिएगा बच्चों, है ना, क्योंकि मैंने कंसीडर किया इस लॉस को भी, तो यही ग्रीन टाइम में आया है टोटल ग्रीन टाइम, लेकिन ये एक्चुअल है जी आई इफेक्टिव, ये है जी आई, तो जो जी आई है वो निकल के आ गया कैपिटल जी, जी आई जो है वो निकल के आ गया कैपिटल जी प्लस ए माइनस वॉट। ये चीज किस किस को समझ आ गई, बस इतना बता दो, ये प्लस है ना, ये टी जैसा लग रहा होगा बट ये प्लस है, ये चीज किस किस को समझ आ गई, क्या हुआ फिर से बफरिंग हो रही क्या यार, ये ऐसे साइन मत भेजा करो यार, ऐसे साइन से मुझे लगता है बफरिंग होने लगी, आज वैसी सिग्नल में कुछ प्रॉब्लम चल रही है ना, अब बफरिंग हुई तो बंद कर दूंगा, मजाक कर रहा हूं, नहीं होगा ये पूरा लेक्चर खत्म नहीं होगा आज, ठीक है, समझ आया कि नहीं आया ये चीज, ये चीज समझ आई कि नहीं आई, आ गई आ गई, ठीक है चलो, तो ये जो मैंने निकाल दिया एक्चुअल टाइम कितना है, ये है एक्चुअल टाइम, हमने डिजाइन ये किया है, हमने डिजाइन क्या किया है, हमने डिजाइन ये किया है बच्चों, लेकिन एक्चुअली कितना अवेलेबल है लॉस के बाद, ग्रीन टाइम मतलब क्या था, क्या जी प्लस ए ही था, ई प्लस ए ही था, ये पूरा ग्रीन ही है ना हमारे लिए, अल्टीमेटली कितनी देर हम व्हीकल हम निकाल सकते हैं ये था, लेकिन इसमें से कुछ लॉस हो गया, ये लॉस वो, ये लॉस वो है कि नहीं है, अल्टीमेटली समझाने का मतलब यही था कि कितना टाइम है मेरे पास व्हीकल को वहां से वहां कवर कर निकालने के लिए, तो भैया वो जी प्लस ए था, रेड में बस नहीं निकाल सकते, एम्बर में तो हम निकाल ही सकते हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, नहीं बगल वाले से हमें कोई मतलब नहीं है ना, लेकिन उसमें माइनस हो गया ये लॉस, दो टाइप के लॉस, कौन कौन से लॉस थे, बार बार बोल रहा हूं, स्टार्टअप लॉस टाइम और क्लियरेंस लॉस टाइम, क्लियर है, चलिए खत्म हो गया ये चीज, समझ आ गई कि नहीं आई, समझ आ गई कि नहीं आई, और इसको मैंने क्या नाम दिया है, इसको मैंने क्या नाम दिया है, टी एस आई प्लस टी सी आई इज इक्वल टू एल, एल क्या है टोटल लॉस्ट क्लियर, ये चीज मुझे नहीं लगता कि आपने कभी पढ़ी होगी, अगर पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो आज पढ़ लीजिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज में बहुत काम आएगी आएगी तो, ठीक है, ये चीज समझ आ गई कि नहीं आई, बस इतना बता दो यस और नो में आंसर दें कृपया कर, देख लो बाहर से भी आवाज आ गई कि हाँ समझ में आ गई है ना, तो ये चीज समझ आई कि नहीं आई, भाई इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ा चुका हूं, डिले मॉडल के बारे में पढ़ा दूंगा, लेकिन एग्जाम में आता नहीं, बहुत रेयर है, मैं पढ़ा दूंगा कोई दिक्कत नहीं, देखो आप जो जो पढ़ना चाहते हैं मैं सब पढ़ा दूंगा, मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है, पीपीटी है सब कुछ है, प्रोवाइड भी करा दूंगा, ठीक है, लेकिन वो ज्यादा आता नहीं है, आप पढ़ा दूंगा कोई दिक्कत नहीं, मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ मोर देन सफिशियंट है फॉर एग्जाम, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बस आपको एक ही काम करना पड़ेगा मेरे पढ़ाने के बाद, उसके क्वेश्चंस लगाओ, छोटे मोटे टॉपिक छूट भी सकते हैं, छोटे मोटे टॉपिक छूट भी सकते हैं, लेकिन मोर देन सफिशियंट, ठीक है, मोर देन सफिशियंट है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी भी एग्जाम की बात करो, चाहे बड़े से बड़े एग्जाम की बात करो, ठीक है, मैं कुछ नहीं छोड़ता हूँ, ठीक है, हाँ मैं बता देता हूँ कि ये मैंने छोड़ा है, अगर आपको पढ़ना है तो वो भी बोल दो पढ़ा दूंगा, ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ डिजाइन करने की, और डिजाइनिंग बहुत रेयर आती है, डिजाइनिंग में सिर्फ वेबस्टर मेथड आती है, बाकी कोई मेथड आती नहीं है एग्जाम में, बट मैं बता दूंगा, है ना, मुझे तो नहीं दिखी, छोटे मोटे क्वेश्चन दिखे हैं, जितना मैं बताऊंगा उतना पढ़ लेना, काम हो जाएगा, क्या गेट में आता है, तो जितना आता है वो तो मैं पढ़ाऊंगा ना दोस्त, वही तो बोल रहा हूँ, जितना मैं आता है वो पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, चलिए जी, तो भैया हम बात करते हैं अब डिजाइन की, अब मैं बात करता हूँ डिजाइन की,
ठीक है, डिजाइन की बात करते हैं, डिजाइन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल, ठीक है, डिजाइन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल क्या क्या मेथड थी डिजाइन करने की, बच्चे पढ़ के आए हैं, बहुत बच्चे तो पढ़ के आए होंगे, जरा नाम लिखो, जरा मैं जब तक नाम लिख रहा हूं आप लोग भी लिखो, पहली कौन सी थी, ट्रायल मेथड क्या नाम था, ट्रायल एंड एरर, क्या नाम था इसका, ट्रायल मेथड ही नाम था, है ना, दूसरी क्या थी अप्रोक्सीमेट मेथड थी क्या, अप्रोक्सीमेट थी थर्ड क्या थी वेस्टर मेथड थी क्या स्पेलिंग गलत हो गई है, टी आर होगा ना, ठीक है, अगली क्या थी, अगली एक और लास्ट आईआरसी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो उतना नहीं पूछी जाती एग्जाम में, मतलब मेरा मतलब डिटेल में नहीं पूछी जाती है एग्जाम में डिटेल, क्योंकि इस मेथड को आप जाओगे तो मेरे हिसाब से आधा घंटा लग जाएगा इससे क्वेश्चन करने जाओगे तो, लगेगा कि नहीं, 30 मिनट इससे क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे 30 मिनट लगते हैं, जो इन्होंने पढ़ी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पूछी जाती है इसलिए मैं बता रहा हूं, तो फिर भी एक ओवरव्यू में दे देता हूं किस प्रकार से मेथड होती है, एक ओवरव्यू दूंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है ओवरव्यू दे दूं, आप बोलो तो फिर डिटेल नहीं बता दूं, लेकिन डिटेल में बताने का कोई मतलब नहीं अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, है ना, चलिए आएगी भी तो वेस्टर आएगी, ये बाकी नहीं आती है बहुत डिटेल में, चलिए नॉर्मल क्वेश्चन सबके आते हैं, मैं एक दो लाया भी हूं यार, उसके पहले एक दो क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखते हैं बनते कि नहीं बनते, देखते हैं जरा, देखिए इसके बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं, आता हूं मैं वो मेथड पे, क्वेश्चन पे आता हूं, उसके पहले बता दीजिए क्या होता है, टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्स पॉइंट व्हिच मेथड इज प्रेफरेबल, रिस्ट्रिक्टिंग द एंट्री इन वन साइड, वाइडनिंग ऑफ द रोड, यूज ऑफ ट्रैफिक सिग्नल और डाइवर्टिंग द ट्रैफिक, क्या आंसर होगा इसका हाँ ओवरव्यू दूंगा, डोंट वरी, इसका आंसर बताओ क्या होगा, फिर मैं आता हूं मेथड पे, पहले ये बता दो जरा, सी और क्या बोल रहे हैं बच्चे, सी, चलिए सबको पता है, अभी पढ़ा है इसलिए पता है, बताता हूँ बेटा, अभी लाऊंगा ना, कल लाऊंगा मैं क्वेश्चन इसके बाकी के, कल बताता हूँ तुम लोगों को, है ना, कल फिर से आ रहे हैं एमसीक्यू, ठीक है, हाँ सबको पता होगा, सी इज करेक्ट आंसर, लिखा भी हुआ है, ठीक है, कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये बताइए मैंने अभी बताया नहीं आपको, ये बताइए, जूम कीजिए, चलिए ये जूम करता हूँ, ये लो, और जूम करूँ क्या, ये लो, इससे ज्यादा जूम नहीं है, जूम जूम हो जाएगा, जूम 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 जूम, चलो इसका आंसर बताओ बच्चों जरा, क्या आंसर है इसका, 2D डीपी स्टार्टअप, क्या लिख रहे हैं स्टार्टअप, डीपी क्या लिख रहे हो अभी जी, अभी भाई 2D साकेत ने डी लिखा है, अभी ने भी डी लिखा है, चलो डी लिखा है, द रियर एंड कोलिजन इंक्रीजेस, बहुत बढ़िया, चलिए कैसे भैया कैसे बोलना चाहते हो ये बात जरा मुझे बता पाएंगे आप, डी इज वेरी करेक्ट आंसर, वो एक्सप्लेन करना चाहेगा, पूछा ये था कि क्या दिक्कत हो जाती है, अब क्या होता है इसकी वजह से क्या होते हैं कि अभी भी कुछ असामाजिक तत्व, क्या बोलेंगे असामाजिक तत्व, क्या करेंगे कि अभी भी क्या करेंगे कि जैसे एम्बर टाइम खत्म हो गया फिर भी कुछ ओवर स्मार्टनेस में रेड में निकालने की दिक्कत आती, कुछ रेड में निकाल रहे हैं, तो यहां से भी जा रहा है यहां से भी आ रहे हैं, तो कोलिजन होने के चांसेस क्या होते हैं बहुत हाई हो जाते हैं, कहां पे पॉपुलेटेड सिटी, जहां पे ट्रैफिक बहुत हाई होता है, छोटी सिटीज में दिक्कत नहीं होती, कहीं कहीं सिटीज तो अभी ट्रैफिक सिग्नल दिए भी नहीं गए बहुत सी सिटीज में, ठीक है, लेकिन जो हाई पॉपुलेटेड सिटीज होती हैं वहां पे ये चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्लियर है बच्चों, ठीक है, बिल्कुल पीछे वाले ठोक देते हैं, दिक्कत हो जाती है ना, बड़े दिक्कत हो जाती है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन हैं, कल
कल फिर से आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू आ रहा है, बहुत डिमांड आ रही है, कल फिर से एमसीक्यू आ रहा है, इसमें सभी बच्चों को आना है, आओगे कि नहीं आओगे? ठीक है, फिर से 1.5-2 घंटे में पूरा रिवीजन, शॉर्ट में रिवीजन, क्योंकि हाईवे खत्म हो गया है, सिर्फ रेलवे और एयरपोर्ट वाला पार्ट बचा हुआ है, बाकी सब खत्म हो चुका है। तो कल फिर से पूरा पार्ट टू, क्योंकि मैं पूरे क्वेश्चन नहीं करा पाया था, कल सिग्नल के भी क्वेश्चन लेके आऊंगा, अभी आज 2 क्वेश्चन कराऊंगा मैं सिग्नल के, आज 2 क्वेश्चन सिग्नल के कराऊंगा, बिना करावे जा ही नहीं सकते आप लोग, है ना। लेकिन कल बहुत सारे क्वेश्चन आए जो गेट में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में, जूनियर इंजीनियरिंग में, एमपीपीएससी में आए हुए। ठीक है, कल समय पर उपस्थित हो जाइएगा। कितने बजे टाइम पता है सबको? 2:30। बिल्कुल बिल्कुल यार, ये कोई पूछने वाली बात है? टाइम नहीं बदलते अपन, है ना, 2:30 पे आ जाइएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अभी खत्म नहीं हुआ लेक्चर, अभी हम बात करेंगे, ओवरव्यू बस दूंगा सभी मेथड का। चलिए पहली मेथड है ट्रायल मेथड, है ना। ट्रायल मेथड के बारे में जरा बात करते हैं क्या है। देखो ट्रायल मेथड में हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, डिजाइन करना है ट्रैफिक सिग्नल को, हमें निकालना है सिग्नल डिजाइन करना, मतलब क्या निकालना है, सबसे पहले हम जी दोस्तों तो आवाज आ गई है, आप लोग इतने हंस रहे, मतलब मजाक कर रहे थे तो मुझे हंसी आ रही थी, मैं कमेंट करने वाला था कि यार चलो जाता हूँ, मैसेज करने वाला था, इतनी देर में कनेक्ट हो गया सर्वर, सोचा आप लोगों से एक बार और बाय बाय बोल देता हूँ। बताइए आवाज वगैरह क्लियर है, जल्दी से वापस आ जाओ यार फटाफट से, इस चीज को मैं खत्म करना चाहता हूँ, अगर अभी कनेक्ट नहीं होता तो मैं खत्म करने वाला था लेक्चर, कुछ सर्वर में इशू आ रहे थे। साकेत बोल रहे हैं आपके वाईफाई प्रोवाइडर का नंबर दीजिए सर, हम देख लेंगे, हम प्रबंध करते हैं, अभी जी बोल रहे हैं। चलिए क्लियर है, वीडियो क्लियर है कि नहीं है बच्चों? क्लियर है तो एक बार स्टार्ट करते हैं एक बार और, अगर इस बार प्रॉब्लम आई तो फिर कल इसको कंटिन्यू करेंगे, आज खत्म कर देंगे। अभी क्लियर है, क्लियर है, अगर क्लियर है तो जल्दी बता दीजिए, ऑल क्लियर, जल्दी से अपने बच्चों को, अपने दोस्त जो थे चले गए उनको जल्दी से शेयर कर दो वीडियो, जितने बच्चे थे, अच्छे बच्चे जुड़ गए थे लेकिन वो थोड़ा सा इशू आ गया था, किसी ने काला जादू किया पीछे से लगता है ना, जल्दी बता दो क्लियर हो गया वीडियो, तो फिर स्टार्ट करते हैं दोबारा, जल्दी से शेयर कर दो। चलिए तो हम क्या पढ़ रहे थे भाई, अभी कहां तक पहुंच गए थे? हाँ, हम बात कर रहे थे मेथड्स की, जो मेथड्स हमने पढ़ी हुई थी, है ना, हम उन मेथड के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि भैया मेथड्स में हमारी 4 प्रकार की मेथड्स थी, और सबसे पहली मेथड जो इसके बारे में हम बात कर रहे थे, दैट विल बी अ ट्रायल मेथड, जिसमें हम ट्रायल मेथड के थ्रू टोटल साइकिल टाइम निकाल रहे थे। अब हमें ये तो पता है कि टोटल साइकिल टाइम क्या था, जल्दी से बच्चों शेयर कर दो वीडियो को, जल्दी से बच्चे वापस आ जाए। चलिए हम पहली मेथड जिसके बारे में बात कर रहे थे, ट्रायल मेथड, मैं चाह रहा हूँ इसको आज खत्म भी कर दूं, क्योंकि कल मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराना चाहता हूँ तो क्वेश्चन नहीं हो पाए, इसलिए मैं चाह रहा हूँ आज खत्म हो जाए, है ना, आप लोगों के लिए सोच रहा हूँ। चलिए तो ट्रायल मेथड में क्या है, हम निकाल रहे हैं टोटल साइकिल टाइम, क्लियर है कि नहीं बच्चों? मुझे चेक करना पड़ता है अभी थोड़ी थोड़ी, हाँ चलिए, आज कुछ सर्वर में इशू है, डोंट वरी, नेट में कोई इशू नहीं है, मैंने चेक कर लिया, सर्वर में कुछ इशूज चल रहे हैं आज, ठीक है ठीक है। तो ट्रायल मेथड में हम क्या कर रहे थे, हमें निकालना टोटल साइकिल टाइम, उसके लिए हमें टोटल साइकिल टाइम पता होना चाहिए क्या होता था, यही होता था क्या टोटल साइकिल टाइम? एक अगर ए की बात करी जाए, ए रोड की बात करी जाए, तो यही होता था टोटल साइकिल टाइम, आपको ही पता है मुझे ही पता है, फिर इसको मैंने आर ए को बाद में कन्वर्ट कर दिया था किसी और टर्म में, वो हम सब आप जानते हैं, ठीक है। चलिए तो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा एक्स ए के लिए, मतलब एक्स ए के लिए फॉर्मूला जो लगेगा, मैं डिस्कस करूंगा अभी क्या होता है, ये सब डिस्कस करूंगा, डोंट वरी बी हैप्पी, बट ये एक बार सुन लो ये क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। ट्रायल मेथड में मैंने क्या किया, एक साइकिल टाइम एज्यूम कर लिया, क्या किया मैंने, एज्यूम कर लिया एक साइकिल टाइम, साइकिल टाइम आपको पता है क्या है, एज्यूम कर लिया, एज्यूम कर लिया 60 सेकंड कि एक साइकिल टाइम, मतलब उसमें ग्रीन टाइम भी आ गया, एम्बर टाइम भी आ गया, रेड टाइम भी आ गया, एज्यूम कर लिया इसको। अब ये एन ए और एन बी क्या है,
ये एक्स से हो गया, एक्स बी भी यहां लिख रहा हूं मैं, दैट विल बी अ एन बी सिमिलरली 15 इंटू 60 इंटू टी। चलिए तो मुझे ये तो पता है टी क्या है जो मैंने एज्यूम किया है, ये टी हो गया जो हमने एज्यूम किया था वो टी हो गया। अब लेकिन ये एन ए और एन बी क्या है, एन ए और एन बी क्या है, चलिए जरा देखते हैं। एन ए है, एन ए है व्हीकल्स, व्हीकल्स एक्युमुलेटेड ऑन रोड ए, जो व्हीकल्स हैं जितने भी व्हीकल्स हैं एक्युमुलेट हुए हैं कहां पे, एक्युमुलेट हुए हैं कहां पे, ऑन रोड ए, जितने भी व्हीकल ए पे आ गए हैं वो हो गया एन ए, और एन बी क्या होगा, सिमिलरली व्हीकल्स एक्युमुलेट ऑन रोड बी। कोई बात क्लियर की नहीं हुई दोस्तों, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, व्हीकल्स एक्युमुलेट हुए हैं रोड ए पे दैट विल बी एन ए, और जो व्हीकल एक्युमुलेट हुए एन बी रोड पे दैट विल बी एन बी। क्लियर है, तो ये हो गया एन ए और एन बी जो हमने यहां पुट करे हैं, है ना, इन इन कितनी देर में, 15 मिनट में, इसको मैं कंटिन्यू करके लिख देता हूं, सॉरी इन 15 मिनट्स, और ये इन 15, मतलब 15 मिनट में कितने व्हीकल्स एक्युमुलेट हुए हैं रोड ए पे, कितने व्हीकल्स एक्युमुलेट हुए हैं व्हीकल रोड ए पे दैट विल बी एन ए, और जो व्हीकल बी पे, जो रोड बी पे हुए हैं वो हो गए एन बी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, समझ आ गया एन ए और एन बी क्या हुआ। अब ये 15 क्या था अपना, 15 मिनट, तो मिनट को मुझे सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, मिनट को मुझे सेकंड्स में चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो वो सेकंड में चेंज करके और ये वैल्यू निकाल दी, देयर विल बी एक्स ए ए के लिए और ये एक्स बी, बस समझ में आई। और ये एक्स ए एक्स बी की क्या जरूरत है अभी थोड़ी देर में बता दूंगा, डोंट वरी, थोड़ी देर में बता दूंगा एक्स और एक्स बी क्या है, डोंट वरी, ठीक है। तो चलिए यहां से मैंने एक्स और एक्स बी निकाल लिया, अब अगर मैंने इसका इंटू कर दिया टाइम हेडवे में, अभी याद करो टाइम हेडवे क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी वीडियो पॉज हो गया था उस चक्कर में बच्चे चले गए, लेकिन बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं, ठीक है, बाद में भले ऑफलाइन देख लें, अब उनकी मर्जी है ना। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ गई, ग्रीन टाइम फॉर ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू टी एच। अब अगर यहां बच्चे हैं तो मुझे बताओ टी एच क्या होता है, बताइए टी एच क्या होता है, सिमिलरली मैं जी बी भी लिख रहा हूं, बता दो जल्दी से, बता दो टी एच क्या होता है, मैं लिख रहा हूं टी एच इज इक्वल टू टाइम हेडवे, आपको ये बताना ये होता क्या है, बताओ जल्दी टाइम हेडवे क्या होता था, दो चीजें पढ़ी थी टाइम हेडवे और स्पेस हेडवे, जल्दी से बता दो क्या होती थी ये चीजें, टाइम हेडवे और स्पेस हेडवे थे, यहां पर टी एच लिखा है क्या होता था, टाइम हेडवे, ये आप बताएंगे, और ये अगर इंटू मार दो एक्स ए से तो आपका निकल आएगा ग्रीन टाइम फॉर ए और इंटू मार दो एक्स बी से तो ग्रीन टाइम फॉर बी, फॉर बी ये निकला है जी ए और जी बी, है ना, अभी तक बताया नहीं किसी ने तो मैं बता देता हूं, टाइम हेडवे था, टाइम हेडवे था, पूरा व्हीकल क्रॉस कर जाए उसको बोलते थे अपन टाइम हेडवे, पूरा व्हीकल क्रॉस कर जाए तो उसको बोलते थे हम टाइम हेडवे, याद है पूरे व्हीकल की लेंथ को क्रॉस कर जाता था वो, याद है कि नहीं याद है, दैट विल बी आर टाइम हेडवे, ठीक है, याद है हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में, और वहां पे जब हमने पढ़ा था तो इसके बारे में बहुत डिटेल से डिस्कशन हुआ था। तो भैया चलिए जी ए जी बी आ गए, जी ए जी बी आ गए, अब मुझे एम्बर टाइम दिया होगा, एम्बर टाइम ये तो ग्रीन टाइम हो गया, अब मुझे एम्बर टाइम गिवन है, और नहीं गिवन है तो हमें पता है कैसे निकालना, वैसे गिवन रहेगा डोंट वरी, है ना, एम्बर टाइम गिवन है, एम्बर टाइम गिवन है, अब भैया टोटल साइकिल टाइम निकालना बहुत इजी हो गया, जी ए प्लस ए ए प्लस क्या होगा, आर ए लिखूं क्या यहाँ पे, नहीं यहाँ लिखूंगा मैं जी बी प्लस ए बी, याद करो जरा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट था, अब नहीं बताऊंगा ये कैसे आया, जाके एक बार चेक कर लो, अभी बताया था शुरुआत में लेक्चर में, अब याद आया, बड़ी लेट याद आया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये देखो इसका इंपॉर्टेंस यहां कितना बन गया, यही तो यही चीज समझाने के लिए पिछले आधा घंटे से मैं रामायण कर रहा था, है ना, और मेन टाइम पे बच्चे चले गए, है ना, इसी ये निकल आया, देखो रेड टाइम की जरूरत पड़ी क्या, मुझे रेड टाइम की जरूरत पड़ी क्या, बस ग्रीन टाइम निकाला मैंने, ग्रीन टाइम निकाला यहां से, और ये एक्स से कहां से निकाला, यहां से,
ये क्या था, एन है ना, ये एन है, क्लियर है, यही है। अच्छा हो साकेत, मुझे लगा वाईफाई वाले से बात करने चले गए तुम, है ना। चलो ठीक है, समझ आया, कोई दिक्कत किसी को तो है नहीं है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा फटाफट, है ना। बस यहां से आपका टोटल साइकिल टाइम निकल आएगा, ये निकल आया टोटल साइकिल टाइम। लेकिन इस जो मेथड में, इसमें दिक्कत ये था, इस मेथड में दिक्कत ये थी, इसको ट्रायल एंड एरर बोला गया। मतलब जैसे आपने ये निकाला, आपने एज्यूम किया था पहले कितना, 60 सेकंड, याद है 60 सेकंड एज्यूम किया था और यहां पुट किया था, यहां पे पुट किया था, एक आध क्वेश्चन करा दूंगा इसका, डोंट वरी, कल। तो 60 सेकंड पुट किया था, फिर निकला था, फिर उससे निकला। तो अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आती है, कौन सी, जो आपने एज्यूम करी है, एज्यूम करी है इज इक्वल टू आ जाए जो कैलकुलेट करोगे ये वाली, तो सही है, तो सही है। अगर ये इक्वल टू नहीं आती तो आपने एज्यूम करी है, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। अब देखोगे कि बराबर में क्या कमी आ रही, कम करना है कि ज्यादा करना है, उस हिसाब से मेथड चलती है। यूनिवर्सिटी में काम आती है, एग्जाम में, यहाँ पे कम आएगी, आएगी तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, बेसिक पूछ लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं ट्रायल, ट्राई करते जाओ, जहां करेक्ट हो जाए, दो या तीन बार में सही हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो ये हो गई ट्रायल मेथड। चलिए दूसरी बात करता हूं मैं आपसे, जो इंपॉर्टेंट मेथड है, पहले उसके बारे में बात कर लेता हूं, जो है वेबस्टर मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वेबस्टर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात कर लेता हूं, ठीक है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेबस्टर मेथड, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। वहां से क्वेश्चन बनता है, गेट गेम बनेगा ही बनेगा वहां से, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए जी, तो वेबस्टर मेथड में क्या था, सेम चीज है, एन ए और एन बी, ठीक है, एन ए और एन बी इसमें भी है, लेकिन थोड़ी सी डेफिनेशन बदल जाती है उनकी, ठीक है, बस सुनते जाओ, लास्ट में जब पहुंचोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। डेफिनेशन थोड़ी सी बदल जाती है, डेफिनेशन इस तरीके से बदल जाती है कि एन ए होता है व्हीकल्स एकोमोडेट ऑन रोड ए इन 1 आवर पर लेन, ठीक है, व्हीकल्स एकोमोडेट हुए हैं, एक्युमुलेट हुए हैं ऑन रोड ए इन 1 आवर पर लेन। हर लेन की बात होगी यहां पे। राजकुमार जी ने फॉर्मूला लिखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अभी बात करेंगे उसके बारे में। और एन वी क्या होगा, व्हीकल्स एक्युमुलेट ऑन रोड बी, ऑन रोड बी इन, बट मैं एक बात बताऊं दोस्त आपको, 1 आवर पर लेन, दोस्त एक बात बताऊं, अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है तो ये फॉर्मूला आप यूज नहीं कर पाओगे, गेट में इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आ सकता है राजकुमार जी, ठीक है, तो हमें उस चीज के लिए तैयार रहना दोस्त, ठीक है। तो ये ठीक हो गया एन और एन बी, और दो चीजों को और इंट्रोड्यूस यहाँ पे करा गया है, सेचुरेशन पॉइंट, सेचुरेशन ऑफ व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस करा गया है वेस्टर मेथड में, जो मुझे पढ़ना जरूरी है, वो क्या है, सैचुरेटेड वॉल्यूम, एस ए, सैचुरेटेड, अब ये क्या होता है सैचुरेटेड वॉल्यूम, बताएंगे अभी थोड़ी देर में, सैचुरेटेड वॉल्यूम ऑफ व्हीकल्स, सैचुरेटेड वॉल्यूम ऑफ व्हीकल्स एक्मोडेट ऑन रोड ए on road A per hour per lane, क्या मतलब बोल दिया कि saturated volume of vehicles कितना है road A पर। देखो कोई बड़ी बात नहीं बोली है, कोई बड़ी बात नहीं बोली है, बात इतनी सी बोली है कि vehicle road A पे कितना ज्यादा से ज्यादा volume आ सकता है vehicles का, एक घंटे में एक lane पर, per hour मतलब एक घंटे में एक लेन की बात करें, एक लेन पे एक घंटे में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितना व्हीकल, कितना ज्यादा लोड आ सकता है, दैट विल बी एस ए, ए रोड की बात हो गई, और एस बी बोलूं तो क्या हो गई, क्या हो गई, फॉर रोड बी ऑन रोड बी, सेम चीज,
ठीक है, बस ये चीज समझ में आ गई तो अब क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, अब कोई बड़ी बात नहीं है, अब क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सैचुरेटेड मींस याद रखिएगा मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा कितना वॉल्यूम हो सकता है। एनएएनवी पता चल गया, कितने व्हीकल्स हैं हर घंटे, हर घंटे एक लेन पे कितने व्हीकल हैं। चलिए ठीक है, चलिए ये बात हो गई। अब मैं बात करता हूं यहां से हमें क्या फॉर्मूला निकालना है। जैसे कि भाई ने अभी फॉर्मूला लिखा था, भाई ने फॉर्मूला लिखा था अपने राजकुमार जी ने। चलिए बात करते हैं उसके बारे में। उसके लिए मुझे चाहिए यूटिलाइजिंग फैक्टर। अभी तो मैंने बताया है कौन सी चीज है, ये सब काम आएंगी, है ना, अभी मैं बताऊंगा क्या कहां हम काम आएगी, लेकिन उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा यूटिलाइजिंग फैक्टर। क्या निकालना पड़ेगा? यूटिलिटी फैक्टर। यूटिलिटी मतलब पता है ना क्या होता है, क्या होता है यूटिलिटी मतलब, यूटिलिटी मतलब क्या होता है, कितना आप यूटिलाइज कर पाएंगे। जरूरी थोड़ी कि सारे के सारे जितने व्हीकल खड़े हैं सबका यूज, सबको आप निकाल दोगे एक बार में, है ना। उस चीज को यूटिलाइज करने के लिए एक यूटिलाइजिंग फैक्टर बनाया गया, जिसको मैंने बोला वाई ए और वाई बी। ये यूटिलाइजिंग फैक्टर फॉर वाई ए और ये यूटिलाइजिंग फैक्टर फॉर बी। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, एन ए अपॉन एस ए। अब समझ में आ गया, एन ए क्या है, ऐसे एन ए क्या था, कितने व्हीकल हैं अपॉन मैक्सिमम कितने, इन दोनों के रेशियो मतलब यूटिलाइज कितने हो रहे हैं। मैक्सिमम तो इतने थे लेकिन इतने निकल गए, इतने बचे। बात समझ में आई? एक रेशियो बना दिया, एक फैक्टर रेशियो बना दिया, उसको मैंने बोला है। और ऐसे ही सेम बनेगा सेकेंडरी के लिए, बी के लिए भी। एन बी क्या होगा, एन बी अपॉन एस बी। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर हो गया होगा बच्चों ये चीज आपको, है ना, ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये हो गया यूटिलाइजिंग फैक्टर, यूटिलिटी फैक्टर फॉर बोथ टाइप ऑफ रोड, दोनों टाइप की रोड के लिए। अब यहां से भैया इजी हो जाएंगी चीजें, बहुत इजी हो जाएंगी। जो अपनी लास्ट चीज बची हुई है, ऑप्टिमम साइकिल टाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, गेट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही बनता है। लेकिन वो आपसे तब बनेगा जब आपके पीछे का लॉजिक जानेंगे। ठीक है, अब जो फॉर्मूला आ रहा है वो है ऑप्टिमम साइकिल टाइम का फॉर्मूला। जो हमारा काम है निकालना, हमारा काम क्या था, मैंने बताई थी जो मेथड है, जो मेथड है उनका काम क्या है, है ना, वही काम था। और वो फॉर्मूला होगा 1.5L प्लस, क्या लिखा था, 1.5L प्लस 5 अपॉन 1 माइनस y। अब यहां से बात ये निकल के आती थी कि ये वैल्यूज हैं क्या क्या, ये वैल्यूज हैं क्या क्या। ठीक है, L क्या है, क्या लगता है L क्या है? देखो यहां से बात बनने वाली, L क्या है, टोटल लॉस ऑफ टाइम इन वन साइकिल। याद करो अब जरा, लॉस ऑफ टाइम क्या था। अगर गेट या ईएससी में डीप में पूछना है तो फिर ये आपको निकालना पड़ सकता है। जनरली इसका फॉर्मूला एक तरीके से और निकल आता है जो यूज किया जाता है, 2n प्लस r, लेकिन पीछे का लॉजिक वही है। यहां से आप l की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां से आप l की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लेन, और r क्या होगा, r क्या होगा, टोटल रेड टाइम। समझ रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूला हमने याद कर लिया, चीजें पता नहीं है तो क्या दिक्कत। अब बताओ r नहीं दिया आपको, कैसे निकालोगे, r के पीछे का लॉजिक ले लो, आर का पीछे का लॉजिक ले लो, 2AA प्लस AB, जितना भी एम्बर टाइम हो रहा है उसका डबल, दोनों का सम कर दो उसका डबल, और ये इक्वल टू कितना ले लेते हैं अपन, कितना ले लेते हैं इसको, पता है किसी को, जनरली 16 सेकंड ले लेते हैं। ये चीज है ना, बहुत काम आएंगे जब आप क्वेश्चन करने जाओगे तो। ये चीजें देखो, ये फॉर्मूला सबको याद रहता है, लेकिन ये चीज अगर नहीं पता तो ये क्वेश्चन कभी होगा ही नहीं आपसे लाइफ में। बात समझ में आ रही है, बात समझ आ रही है? अब एक और इंपॉर्टेंट बात, अब एक और इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, ग्रीन टाइम निकालना है रोड ए का। ये तो अपने निकाल दिया, ऑप्टिमम साइकिल टाइम कितना लग रहा है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। कल इस पे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे बहुत क्वेश्चन करेंगे, तब आपकी और चीजें क्लियर होंगी। अभी मैं बता रहा हूं ग्रीन टाइम, ग्रीन टाइम आज मैं सिर्फ फॉर्मूले बता रहा हूं फॉर रोड ए। क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है जल्दी बता दो, जी ए लिख दे रहा हूं, जी, है ना। क्या फॉर्मूला है इसका, वाई ए। अब वाई ए पता होना चाहिए, नीचे वाई इंटू एल नॉट माइनस एल। अल्टीमेटली मेरा काम क्या था, यही तो निकालना था अल्टीमेटली, जी और जी बी।
समराइज कर रहा हूँ चीजों को भी, डोंट वरी, है ना। मुझे पहले फॉर्मूले बताने थे, सारे फॉर्मूले बता दिए, अब चीजों को समराइज कर रहा हूँ मैं। क्या बोला भाई साकेत जी, अब चीजों को मैं समराइज कर रहा हूँ। देखो समराइज कैसे कर रहा हूँ, मुझे अल्टीमेटली मेरा मोटो क्या था, मेरा मोटो था कि मैं चाहता हूं मेरा टोटल साइकिल टाइम आ जाए। उसके लिए मुझे चाहिए ग्रीन टाइम और एम्बर टाइम, और कुछ चाहिए क्या? रेड टाइम की जरूरत नहीं पड़ती है। हमने पहले देख लिया कि हमने उसको रेड को कन्वर्ट कर दिया ग्रीन और एम्बर में। क्या किया? ग्रीन और एम्बर में कन्वर्ट कर दिया। मैंने सबसे पहले निकाला यूटिलिटी फैक्टर। सबसे पहले मैंने क्या निकाला? यूटिलिटी फैक्टर। कैसे निकाला? एन ए अपॉन एस ए। एन ए क्या है? नंबर ऑफ व्हीकल एक्मोडेट ऑन रोड ए। ऐसे क्या है? सेचुरेटेड वॉल्यूम, मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम कितना हो रहा है रोड की पर आवर में, पर लेन में, है ना। तो ये अपने निकाल दिया, इनका रेशियो कर दिया, वाई आ गया। क्लियर हो गई बात? वाई आ गया, वाई भी आ गया, ये आ गया, और हमने निकाल दिया ऑप्टिमम साइकिल पॉइंट। ऑप्टिमम साइकिल पॉइंट कैसे निकाला? ये इस फॉर्मूले से, है ना, यहां से निकाल दिया ऑप्टिमम साइकिल पॉइंट। ऑप्टिमम साइकिल पॉइंट में सारी चीजें ये निकाल दी। सर ये क्यों निकाल रहे हैं? ये क्यों निकाला? वाई ए वाई वी क्यों निकाला? ग्रीन टाइम निकालने के फॉर्मूले में काम आया। चाहता तो मैं उल्टा भी चल सकता था। ये क्यों निकाला? यहां लिख दे रहा हूं ना, देखो, क्योंकि हमें ग्रीन टाइम ऑफ ए निकालना है। तो हमें फॉर्मूला क्या लिखना है? वाई ए अपॉन वाई सी नॉट माइनस एल, है ना। एल का फॉर्मूला ये लिखा, ठीक है, वाई ए का फॉर्मूला ये लिखा, और एल सी नॉट का फॉर्मूला ये लिखा। क्लियर हुई बात की नहीं हुई? तो इस प्रकार से, कुछ प्रकार से हम इसको शुरू कर लेंगे, और टोटल लॉस टाइम हमारा क्या हो जाएगा फिर? टोटल लॉस टाइम कितना हो जाएगा? टोटल साइकिल टाइम, सॉरी, टोटल साइकिल टाइम कितना हो जाएगा? कैपिटल टी जिसको मैं बोलूंगा, कितना हो जाएगा? जी ए प्लस ए ए प्लस जी बी प्लस ए बी। यही होगा मेरा टोटल साइकिल टाइम, यही होगा मेरा टोटल साइकिल टाइम। यस और नो? आई होप आप यस बोल रहे हैं, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा टोटल साइकिल टाइम। क्लियर है नौजवानों की नहीं है? क्लियर है? क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है। इसमें फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट आ गए। एक ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ए के लिए, बी के लिए। एल कैसे निकालोगे, आर कैसे निकालोगे, जनरली कितने ले लेते हैं, और ये यूटिलिटी फैक्टर कैसे निकालोगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है चीजें, ठीक है। मैं सोच रहा था आज क्वेश्चन कराऊंगा एक दो, लेकिन ठीक है, क्वेश्चन कल करा दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन कल करा दूंगा। और एक छोटे सी टॉपिक बच गया पेडिस्टल का, है ना, छोटा सा टॉपिक है पेडिस्टल का। कल टाइम मिला तो कल इसको कर दूंगा मैं, पेडिस्टल को खत्म ही कर दूंगा इस टॉपिक को पूरा, है ना, कल। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कल मैं लाने वाला हूँ पूरे जितना भी हमारा जो पार्ट टू है। एक पार्ट हम कर चुके हैं कल, आपको पता है, उसमें हमने क्या किए थे, गेट इंजीनियरिंग सर्विस जितने क्वेश्चन थे सारे किए थे, है ना। लेकिन कंप्लीट और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो मैं कल लेके आ रहा हूँ। बच्चों आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? उस लेक्चर में भी सबको आना है, उसमें आपको ट्रैफिक सिग्नल के भी क्वेश्चन बनेंगे। तो फॉर्मूले याद कर लेना, फॉर्मूले सारे याद कर लेना, और क्वेश्चन बहुत सारे हैं लेके आने वाले। एक नोटिफिकेशन जारी किया है, आपको मैंने भेजा है स्क्रीन, उसका जो बैनर है उसका भेजा है, चेक कर लीजिएगा ग्रुप में, है ना, टेलीग्राम ग्रुप में देखिएगा, मैंने भेजा है, ठीक है। तो ऐसी चीजें मैं भेजता रहता हूँ, उसके बारे में डिस्कशन भी करना है, करेंगे उसके बारे में जब बच्चे सभी रहेंगे, है ना, सब लोग रहेंगे, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या बोल रहा है, किस तरीके से उसमें वैकेंसीज आई हैं। बहुत अच्छा मौका है, अच्छा मौका है, और उसमें अपन को जाना है, उसके लिए आपको तगड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। बात कीजिएगा, बात करेंगे अपन उस बारे में, डिस्कशन करेंगे डिटेल में। तो और किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो। अपना अप्रोक्सीमेट मेथड बची हुई है, वेबस्टर मैंने पढ़ा दिया है, वेबस्टर का ये फॉर्मूले याद कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट है, वेबस्टर के सारे मोड फॉर्मूले पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं बता देता हूँ क्या बचा है, ना, ये क्वेश्चन कर लेंगे अपन, है ना जी, ये बचा हुआ, ये चीजें बता देता हूँ। देखिए ये तो मैंने पढ़ लिया, ये होता है सैचुरेटेड फ्लो वॉल्यूम के लिए टेबल, ये सैचुरेटेड फ्लो वॉल्यूम के लिए टेबल है, विड्थ ऑफ रोड के हिसाब से सैचुरेटेड फ्लो कितना देते हैं, है ना। क्या बोल रहे हैं तिवारी जी, सर आप मस्त पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच यार साकेत जी, डेली आओ तो और मस्त मजा आएगा, ठीक है। आज तो क्या हुआ, नेटवर्क इशू रहा, तो ऊपर नीचे रहती रही क्लास, लेकिन ऐसा बार बार नहीं होगा, कभी कभार सर्वर में इशू आ जाता है, ठीक है।
बट शाम को 6:30 बजे फिर से मिल रहे हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर क्विज के साथ। वहां क्विज होता है एप्टीट्यूड का, ठीक है, शाम को 6:30 बजे तैयार रहिएगा, इसलिए क्विज होगा एप्टीट्यूड का, उसके लिए तैयार रहिएगा। फिलहाल जा रहा हूं, ठीक है, और ये टेबल है और ये हम बाकी चीजें पढ़ चुके हैं, कल इसको हमें खत्म करना है, इसके हम क्विज के क्वेश्चंस लाने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक भी है, अगर टाइम मिला तो कल करा दूंगा, नहीं तो फिर परसों करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो इसी के साथ जा रहा हूं, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, समय पे पढ़ाई करते रहिएगा, वैकेंसीज आ रही हैं, एग्जाम होने वाला है और उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लो दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, मस्त पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए जीवन को, इंजीनियरिंग को एंजॉय कीजिए, हमारी सिविल इंजीनियरिंग बहुत बढ़िया है, ये बहुत अपॉर्चुनिटीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो गलत है जो बोलते हैं इंजीनियरिंग बेकार होते हैं, हम जितना स्ट्रगल करते हैं लाइफ में बहुत कुछ सीखते हैं, पक्के एक आम बन जाएंगे और बढ़िया मजा आएगा ना, जिंदगी का मजा आएगा, इंजॉय करते हैं इंजीनियरिंग को, है ना, बहुत इंजॉय करिए। चलिए बाय बाय, फिर से मुलाकात जरूर होगी आपसे, आई होप कल टाइम पे आएंगे 2:30 बजे, क्योंकि कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, कल एमसीक्यू होने वाला है, बहुत सारे एमसीक्यू होने वाले हैं। उसी के साथ बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, शाम को मिलते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। कल सिविल इंजीनियर के बच्चों को आना अनिवार्य है, यूट्यूब पर बार बार बोल रहा हूँ, क्विज है, बहुत बढ़िया तरीके से सारे कंसेप्ट को रिविजन करेंगे। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।